हेलो गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद दिस. द चैप्टर नेम इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अगर आप देख सकते हो, द नेम इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. इस चैप्टर के अंदर बहुत लोगों को डिफिकल्टी आती है, तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज ये चैप्टर में पूरा स्टडी मटेरियल से करवा दूंगा और स्टडी मटेरियल से करा दूंगा. सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा. ओके, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक. तो अभी शुरू करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से. गाइज, अगर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें यहाँ पे, तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. नाउ व्हाट इज रिडम्पशन एंड व्हाट इज डिबेंचर, अंडरस्टैंड गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू से रिडम्पशन, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आपने जो पैसा लिया था डिबेंचर होल्डर से, वो वापस देने का है. दैट इज नोन एज रिडम्पशन. तो रिडम्पशन इज नथिंग बट रीपेमेंट. आपने पैसा लिया, वो आप लौटा रहे हो, रिडीम कर रहे हो, मतलब रीपेमेंट. और किसका? डिबेंचर का. डिबेंचर का क्या है? लोन. लोन एंड अ लाइबिलिटी. इट मीन्स आई कैन से एक तरीका लोन है और ये लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हो और आपको इसकी एंट्रीज करनी है करके. ये होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है, आपको इसकी एंट्री करनी है. अच्छा जी, ठीक है. यू कैन सी दिस इज द नेम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, जिस ईयर में रिडम्पशन होने वाला है उस ईयर में इंटरेस्ट क्या क्या होगी, ये आपको बताना है मुझे. तो इंटरेस्ट देखो यही होगी. ये एक दो पेज आपने देख लिए, पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा. दैट इज माई गारंटी. तो देखना, पहला है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और है डेट ऑफ रिडम्पशन. ये समझाता हूं ये क्या है. ये एंड ऑफ द ईयर है. एक है आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एंट्री आएगी और एक एंड ऑफ द ईयर में एंट्री आएगी. कुछ चीजें जो समझा दूं अगर मैं आपको, तो एक देखो यहां पे समझना. इफ आई गिव यू एन आइडिया, सोचो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, आपको पहले दो चीजें, एक सेकेंड, ये अपने को नहीं चाहिए तो अपन यहां पर आ जाते. अपने को क्या क्रिएट करना है? एक क्रिएट करना है डी आर आर और एक डी आर आर आई. अब ये क्या होता है सर, जरा समझा दीजिए. चलो आई विल गिव यू एन आइडिया. समझो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, समझो कि यहां पे एक फादर है और उसको अपने बेटी की शादी करवानी है और शादी लेटर से करवानी है, उसमें 5 लाख का खर्चा आएगा. तो वो क्या सोच रहा है कि 5 लाख का खर्चा कब आएगा? ईयर 5 में आएगा. तो अगर वो सोच रहा है ईयर 5 में 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो एक साथ इतना पैसा कैसे आएगा? तो वो क्या करता है, हर साल उसकी कमाई में से 1 लाख रुपए साइड में रख देता है करके. 1 लाख रुपया हर साल, 1 लाख रुपए साइड में रख देता है. इसको बोलेंगे रिजर्व. इन दिस रिजर्व इज केप्ट फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज करके. सेम वे अगर आपने कहीं से पैसा लिया है, 5 लाख रुपया उधारी ली है, एज अ डिबेंचर होल्डर से आपने पैसा लिया है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड 5 साल के बाद ये पैसा आपको लौटाना रहेगा. तो जब आपको 5 साल के बाद लौटाना रहेगा 5 लाख रुपया, तो हर साल कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. और ये जो रिजर्व क्रिएट करोगे, आप साइड में पैसा रखोगे, ये डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए रख रहे हो. तो इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या तो शॉर्टकट में बोला जाएगा डी आर आर. इज दैट अंडरस्टूड? बोलिए जरा. हेलो, यस, दैट इज अंडरस्टूड. तो आपको ये तो समझ में आएगा कि डी आर आर क्रिएट करना है करके. दैट इज समथिंग यू गाइज हैव अंडरस्टूड. तो यू नो दैट यू गाइज विल हैव टू क्रिएट डी आर आर करके. तो यहां पर आते हैं, या तो यू गाइज विल हैव टू क्रिएट. आप यहां पे देख सकते हो डी आर आर. तो यहां पे अभी डी आर आर कितना क्रिएट करने का, डी आर आर क्रिएट करना पड़ेगा. चलो एक चीज और समझा देता हूं. अब जो पैसा आपने 1 लाख रुपया अलग से रख दिया, लेट अस से 1 लाख रुपया अलग से रख दिया है साइड में, अभी आप पैसा अपने घर पे ऐसे ही रखोगे या कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे? सर, इस पैसे को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट किया तो डी आर आर आई, कि उसका इन्वेस्टमेंट किया. अब ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो सर एंट्री क्या आएगी, और ये रिजर्व क्रिएट करोगे तो क्या एंट्री आएगी करके, ये सब हमें देखना है. अब रिजर्व कैसे क्रिएट की जाएगी? जनरली कंपनी की रिजर्व में जो पैसा होता है, जनरल रिजर्व के अंदर, पीएनएल के अंदर, इससे कंपनी क्या देती है? डिविडेंड वगैरह बांटती है. तो कुछ पैसा ब्लॉक करके रखना है कि डिविडेंड ना दे सके. वो पैसा किसको देना है? हमें डिबेंचर होल्डर को देना है. तो हम एक एंट्री पास करेंगे. देखिएगा यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए. हाँ, तो गाइज हम ये बात कर रहे थे. ओके गाइज, तो व्हाट वी गाना क्रिएट इज डी आर आर और डी आर आर आई, मतलब जो रिजर्व क्रिएट किया है उसको इन्वेस्ट कर देंगे. चलो तो सर एंट्रीज क्या क्या आएंगी? देखो अगर आपको रिजर्व क्रिएट करना है तो रिजर्व तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन सर कहाँ से क्रिएट होगा? पीएनएल अकाउंट, जिसमें से डिविडेंड दे सकते थे, वो पैसा ब्लॉक कर दीजिए सर. तो देखो पीएनएल अकाउंट से पैसा निकाल दिया जाएगा और डी आर आर में रखा जाएगा. ये कब काम आएगा? डिबेंचर को रिडम करने के लिए, तभी इसको अपन फ्री करेंगे. तो ये पैसा ब्लॉक कर दिया. पहली एंट्री आ गई पीएनएल अकाउंट टू डीआरआर करके, रिजर्व में पैसा रख दिया. अब रिजर्व में जो भी आप पैसा रखोगे उससे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे. सर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? तो बैंक अकाउंट पैसा जाता है और इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट. लेकिन ये कौन सा वाला है? डीआरआर वाला है.
तो आपकी देखो एंट्री क्या है, डी आर आर टू बैंक अकाउंट करके, इज इट क्लियर? हेलो एवरीवन, या तो वी कैन से दैट दिस एंट्री इज क्लियर। अभी मैं क्या बोलता हूं, आपने कहीं पे भी 1,00,000 रुपए का लेटर से इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको उसके ऊपर क्या मिलते जाएगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो आप देखोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको लेटर से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या बोल दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट मिला करके। और ये इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए का कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, PNL में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अभी तक इतना तो क्लियर होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, और आपने ये इंटरेस्ट जो मिला वो PNL में ट्रांसफर कर दिया। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सर लेकिन कितना अमाउंट DRR में लेके जाने का। ओके गाइज, तो ओके गाइज, तो वी केम टू नो दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू DRR एंड व्हाट इज द अमाउंट विच विल बी ट्रांसफर टू DRRI करके। तो यहां पे स्पेसिफिक गाइडेंस दिया गया है करके, स्पेसिफिक गाइडेंस विच इज गिवन बाय दिस। तो आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोविजंस हैं जो आपको लिखे गए, पर अगर मैं आपको समराइज कर दूं इस रिडम्पशन वाले पार्ट को, अगर मैं समराइज कर दूं, यहां पे आपको दिख जाएगा कितना कितना अमाउंट लेके जाना है, DRR कब क्रिएट करना है, कब नहीं क्रिएट करना है। मैं आपको एकदम समरी में बताता हूं जिससे आपका काम एग्जाम के लिए अच्छे से एकदम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, DRR आपको कितना क्रिएट करना है, 10% ऑफ द फेस वैल्यू। मतलब अगर आपके पास 1,00,000 रुपए के अगर डिबेंचर्स है तो आपको खाली 10,000 का क्या क्रिएट करना है, DRR करके, DRR क्रिएट करना है। अच्छा सर, अगर आपके पास 1,00,000 के डिबेंचर है तो आपको आपको 15,000 का मतलब 15% का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, DRRI करके। That is something which will be created. Okay, these are the provisions which are written in Companies Act. I just gave you an idea कितना इतना create करना है। अच्छा ठीक है, तो ये इतना create करना है। जैसे tax rate कैसा 30% होता है, which is given कि हाँ भाई they felt कि this is something which should be recovered, तो this is the appropriate value 10% and 15%. Now question arise होता है, sir कौन create करेगा और कौन नहीं create करेगा। तो याद रखो आपको जितने भी questions आएंगे उसमें या तो listed company होगी या तो unlisted company होगी, दो में से एक होगी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो उनको DRR क्रिएट करने की गरज नहीं है। दे डोंट रिक्वायर टू क्रिएट DRR, उनको खाली क्या क्रिएट करना है, DRRI क्रिएट करना है, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाली चीज क्रिएट करनी है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी, तो देखो अन भी लग गया और लिस्टेड भी है, तो दो चीजें, तो दोनों चीजें क्रिएट करने की। लिस्टेड है तो खाली DRRI क्रिएट होगा, और अनलिस्टेड मतलब दो चीजें आ गई, तो आप बोल सकते हो DRR और DRRI भी आ जाएगा। इज इट क्लियर, कैन वी प्रोसीड एट? तो एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, यस yes. चलो, तो ये हो गया अपना DRR क्रिएशन का। ये एंट्री कब होता है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में, ये एंट्री कब होता है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में। अब जब रिडम्पशन होगा तब पेमेंट क्या क्या चीज का होगा, इसका मैंने नेक्स्ट पेज पे इंट्रीज दिया गया है। अगर आप देखोगे तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, इंट्रीज क्या क्या होगी। देखो डिबेंचर को हमें क्या करना है, रिडीम। अब मैं बोलता हूं अगर डिबेंचर को रिडीम करना है तो सर वो जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेचना पड़ेगा ना, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था आप उसको बेच दोगे, दैट इज सेल ऑफ दिस, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, DRRI, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, तो इसको बेचोगे तो सर पैसा आएगा। देखो आपने इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1,00,000 रुपए की हो, लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है, वेर एवर यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, लेट अस से दैट इन्वेस्टमेंट या तो वो ग्रो होगी, ज्यादा पैसा मिलेगा या तो कम पैसा मिलेगा। लेट अस से आपने इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की है और आपको 1,10,000 रुपया मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको 10,000 रुपया ज्यादा मिला तो क्या बोलेंगे बताओ, इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का था, वो आपने बेचा तो आपको 1,10,000 मिला, इज इट प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो देखो प्रॉफिट बुक कर दोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में करके। लॉस भी तो हो सकता है, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आपको खाली 90,000 मिला, तो 10,000 का लॉस हो जाएगा, तो वो PNL में चला जाएगा, डेबिट में या तो क्रेडिट में, आपको डिपेंड करता है प्रॉफिट है कि लॉस है। तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री, सेल ऑफ DRRI करके, इन्वेस्टमेंट आपने बेचा। अच्छा सर, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया। सर अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, रिडम्पशन वाले को पेमेंट कर दो ना भाई, रिडम्पशन वाले को आप क्या कर दोगे, पेमेंट, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। तो भी डिबेंचर होल्डर को अगर आपको पैसा देना है तो लेट अस से दैट 100 रुपया उसको देना है, फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो लेकिन सर ऐसा तो हो सकता है ना, उनको हम प्रीमियम वगैरह भी देंगे, तो POR इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप उसको 10 रुपए का प्रीमियम भी दोगे तो आप उसको 110 रुपया दोगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिख रहा है उसको डेबिट करो तो वो कट हो जाएगा,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है टू डिबेंचर होल्डर करके, तो 110 रुपया देना है और ये 110 रुपया दे दोगे तो एंट्री आ जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके 110 रुपया ये एंट्री आ गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपका प्रीमियम है देखो ये तो आपने राइट ये तो हो गया आपका डिबेंचर जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था आपने डेबिट किया तो राइट ऑफ हो गया, डिबेंचर होल्डर भी कैंसिल हो गया बिकॉज आपने उसको पेमेंट कर दिया। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये कंपनी के लिए खर्चा है, क्यों? जहां 100 रुपया देना चाहिए था वहां पे 110 दे दिया तो 10 ज्यादा दे दिया, तो कह रहे हैं ये खर्चा है तो ये कहां से आपका आप राइट ऑफ कर दोगे? पीएनएल अकाउंट से, दैट कैन बी इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, दैट एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करके। आई होप दीज थ्री एंट्रीज आर क्लियर। वापस एक बार बोल दो क्या हो जाएगा, पहली एंट्री होगी आपकी डिबेंचर को राइट ऑफ करना है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर प्रीमियम दे रहे हो तो पीओआरबी आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बाद में सॉरी पैसा देते नहीं हो पहले डिबेंचर होल्डर लिख देते हो उसको पैसा देना बनता है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में से कैंसिल करवा दिया। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये खर्चा है तो इट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट करके। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर, दैट इज वन थिंग। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट दोगे? यस। इफ इट इज यस जस्ट टाइप दिस तो आई कैन प्रोसीड अहेड। इट इज क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बोलता हूं आपको डिबेंचर अगर रिडीम करने हैं ना आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दो या तो मार्केट में जाके खुद के डिबेंचर खरीदो, दैट इज बाइंग ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। सर ये नहीं समझा, थोड़ा सा समझा दो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पे कंपनी है, देखो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो कंपनी को पैसा मिला 100 रुपया लेटर से और ये 12% डिबेंचर है। समझते जाना स्टोरी को, समझते जाना। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो कंपनी के पास 100 रुपया आ गया और डिबेंचर इशू किया मतलब एक डिबेंचर की लाइबिलिटी दिखेगी 100 रुपीज़ की कंपनी के पास। अब 5 साल के बाद डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं, अगर 5 साल के बाद डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं तो 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद ऐसा होगा जब रिडम्पशन होगा तब एंट्री क्या क्या होगी? पहले आप डिबेंचर रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा वो बेच दोगे, पहले तो आप वो क्या क्रिएट करोगे, DRR क्रिएट करोगे, DRRI क्रिएट करोगे, याद रखना ये दो चीज़ें क्रिएट करते हो, उसमें से आप DRRI बेच दोगे पैसा आ जाएगा आपके पास, फिर आप रिडम्पशन करोगे और रिडम्पशन में कितनी एंट्रीज आएंगी? 3 अभी जो मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका जो DRR क्रिएट किया गया था ना ये फंड, ये जो ब्लॉक किया गया था पैसा PNL से, अब इसको ब्लॉक रखने की जरूरत नहीं है, डिबेंचर का पेमेंट हो गया है करके तो इसको वापस से फ्री कर दो। तो आप यहाँ पे देखो एंट्री क्या पास कर दोगे, मैं ये भी बता देता हूँ। तो हियर यू हैव अ एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व करके, ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, ये फेस वैल्यू वाला सीन क्या है करके, बस इतना याद रखो DRR टू जनरल रिजर्व ये वाली एंट्री आपकी आने वाली है करके, आप रिवर्सल कर दोगे और फ्री कर दोगे उसको, तो फ्री करोगे तो कहाँ पे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक की बातें सर समझ में आती है, यहाँ तक की बातें समझ में आती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंपनी क्या बोलता है, 5 साल के पहले मैं क्या बोलता हूँ, आप चाहो तो कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, आपको ये पता रहेगा, आप चाहो तो कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। देखो ये कंपनी है, इसने मार्केट में शेयर इशू किया है तो आप शेयर होल्डर बन गए। अभी कंपनी आपको कब पैसा देगा? जब वो लिक्विडेट होएगा, बिकॉज आपको कंपनी अभी पैसा देने के लायबल नहीं है, शेयर्स आर इरिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। अगर आपको अभी पैसे की ज़रूरत है तो आप अभी क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच दो, कोई और आपसे शेयर खरीद लेगा करके, समझता है? हाँ। तो वैसे ही अगर मान लो ये जो डिबेंचर होल्डर है, एक डिबेंचर होल्डर है, उसने शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे हैं कंपनी के और अभी उसको 5 साल के बाद पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसको 5 साल के बीच में पैसे की ज़रूरत है, लेट अस से एट द थर्ड ईयर डिबेंचर होल्डर वांट्स मनी, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या क्या यहाँ पे देखो तो बेच देगा। अभी बेचेगा तो जो भी मार्केट प्राइस रहती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कंपनी की परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है उस टाइम पे, वेदर कंडीशंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल चीज़ें क्या चल रही है, उस हिसाब से मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। ये आपका SFM में आता है, CA फाइनल में इन डिटेल में। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ, अगर डिबेंचर होल्डर वांट्स मनी तो वो क्या करेगा, कंपनी वांट्स टू बाय ओन डिबेंचर करके, कंपनी खुद के डिबेंचर खरीदेगी। अभी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर बेचना चाहता है डिबेंचर्स मार्केट में और यहाँ पे कंपनी बोलती है चलो खरीद लेते हैं करके, इसको बाद में तो पैसा देना पड़ेगा, अभी खरीद लेते हैं। तो देखो अभी क्या होगा, वैसे अगर अभी आप खरीद लोगे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ सो दैट आई कैन प्रोसीड। यस ओके, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन टेल मी। अभी समझिएगा क्या होगा, मान लो प्राइस 107 रुपया चल रही है डिबेंचर की, डिबेंचर की प्राइस कितनी चल रही है, 107 रुपया चल रही है, तो समझो भी क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ ये ईयर है, ये ईयर है और कंपनी है ना दो बार इंटरेस्ट देती है, 30 सितंबर को देती है और 31 मार्च को दो बार इंटरेस्ट देती है। तो अगर ये मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, अज्यूम दैट इंटरेस्ट इज 100 पर मंथ, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब
आपको इंटरेस्ट कब मिलने वाले? 30 सितंबर को मिलने वाले, 30 सितंबर को, ठीक है। अब आप हो मिस्टर ए यहां पे, और आपने 4 महीने बाद क्या कर देना है, डिबेंचर अभी 4 महीने हो गए और आप यहां पे खड़े हो 31 जन को। तो अभी यहां पर ऐसा है कि इंटरेस्ट कब मिलने वाला है वापस? 31 मार्च को मिलने वाला है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आप डिबेंचर बेच रहे हो, यू आर डिबेंचर होल्डर एंड आपको पैसे की जरूरत है जनवरी में 31 जन को, तो आप पैसा बेच रहे हो। आप 2 महीना वेट करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी आप बेच रहे हो करके, तो देखो कैसा होगा। अब डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, मुझे डिबेंचर का तो पैसा चाहिए ही चाहिए, आई नीड डिबेंचर का पैसा तो मुझे चाहिए जो मैं बेच रहा हूं। प्लस देखो कंपनी क्या करेगा, मैं आपको पहले कंपनी की स्टोरी बताता हूं। अभी आई होप आपको समझ में आता है, 31 के पहले ओनर ए था, लेकिन अभी वो डिबेंचर किसने खरीद लिए, बी ने, तो डिबेंचर का होल्डर कौन बन गया, बी बन गया। तो जब भी कंपनी डिविडेंड बांट, कंपनी इंटरेस्ट देगा, 31 मार्च को, ये इंटरेस्ट डेट है, तो ये किसको देगा इंटरेस्ट टू बी पेड टू, किसको? 600 रुपीज, पूरा बी को दे देगा। उसको ये नहीं पता किसने क्या होल्ड किया, वो बोलेगा जिस दिन मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं कंपनी बिल से, हु हैज डिबेंचर्स, तो बी हैज डिबेंचर्स, तो कंपनी विल पे द इंटरेस्ट टू द बी कि भाई तेरे पास डिबेंचर है तू ले ले भाई। वो ये नहीं ढूंढेगा इतना महीना किसने होल्ड किया, ये कंपनी के पास टाइम नहीं है, कंपनी विल से तेरे पास डिबेंचर है तो दे दे 600 रुपया। लेकिन आपको समझता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या बी 600 रुपये का हकदार है या बी खाली 200 रुपये का हकदार है, 600, 200 या 400? बी शुड एक्चुअली रिसीव कितना, 400, 200 या 600? अच्छा तो समझिएगा, इन केस इफ देयर इज अ डाउट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मैं ये बोलता हूं मुझे बताइए, अगर ये इंटरेस्ट ये 6 महीने का दिया जा रहा है और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है, 600, बिकॉज 1 महीने का 100 है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मैंने 600 बोल दिया। अगर मैं ये बोलता हूं डिबेंचर्स का बेचना कब हुआ है, 31 जन, तो आपको समझ में आता है ये 4 महीने के लिए ओनर कौन था, ये 4 महीने के लिए ए ओनर था, उसके बाद डिबेंचर बेच दिए ए ने, तो अभी ओनर कौन बन गया, बी बन गया 2 महीने के लिए। तो आपको समझ में आता है एज अ पर्सन ए क्या बोलेगा, उससे अच्छा मैं 2 महीने के बाद ही बेच देता हूं ना, थोड़ा 2 महीना वेट करके। तो ए क्या बोलेगा, अगर मैंने 4 महीने तक डिबेंचर को हेल्ड किया है तो मुझे डिबेंचर का तो पैसा मिलना ही चाहिए, प्लस 4 मंथ्स इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, बिकॉज मैं 31 जन को बेच रहा हूँ 4 महीने के बाद, इंटरेस्ट सितंबर में मिला है और 4 महीना मैंने होल्ड किया, तो वो भी 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, उससे अच्छा है तो मैं 2 महीने बाद बेचूँ। और तो जब भी कोई भी पर्सन खरीदेगा तो उसको डिबेंचर का तो पैसा देना ही पड़ेगा, प्लस 400 रुपया भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखने जाओ जो 600 रुपया है उसमें से 400 रुपये का हक ए का है, 200 रुपये का हक बी का बनता है, बिकॉज बी ने खाली 2 ही महीना हेल्ड किया है वो डिबेंचर को, तो ही शुड गेट 200, बट कंपनी विल गिव हिम 600। द रीजन इज वेरी सिंपल, कंपनी मगज हमारे नहीं करता, किसके पास डिबेंचर है बी, तू 600 ले ले। तो ए विल डिमांड, ए क्या बोलेगा, मेरे को ये 400 बी तू दे दे, फिर तेरे को बाद में मिलने वाला है करके। तो इट मीन्स नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन द डिबेंचर्स आर सोल्ड, व्हेन द डिबेंचर्स आर सोल्ड दैट बायर सेलर विल डिमांड डिबेंचर का पैसा लेटर से 1000 रुपया, प्लस वो 400 रुपया इसका भी मांगेगा और वो इतना मांगेगा, मतलब 1400 रुपया मांगेगा। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है, पक्का या नहीं? पक्का, तो दिस इज क्लियर। तो एज अ मिस्टर ए को ये देना पड़ेगा ये सारा, इसको क्या बोलते हैं, या आप खाली डिबेंचर का पैसा दे रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट एडेड नहीं है। लेकिन जब आप टोटल अमाउंट जो दे रहे हो इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, आप सामने लोगों को कितना दे रहे हो, 1400 डिबेंचर का भी दे रहे हो प्लस 4 महीने उसने हेल्ड किया है, तो मिस्टर बी विल गिव 1400 रुपीज करके। आई होप सो That is something which is very much clear. तो in this case 1400 will be paid to this. तो एक होता है कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट। तो अभी मेरा क्या बोलना है, अभी आप हो और आप डिबेंचर खरीद रहे हो, आप कौन हो, आप एक कंपनी हो और आप अपने ही डिबेंचर खरीद रहे हो, तो अभी एंट्री क्या होगी, देखो अगर आप अपने ही डिबेंचर खरीद रहे हो तो सबसे पहले मेथड नंबर वन, अगर आप खुद के डिबेंचर खरीद रहे हो तो सामने वाला ए बेच रहा है और लेटर से आप बायर, आप खुद के डिबेंचर खरीद रहे हो, तो एंट्री क्या होगी, ऑलवेज फॉलो दिस। दूसरा वाला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, आप अपने डिबेंचर खरीदोगे, लेट अस से दैट 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये का डिबेंचर है, आपने खरीद लिया, तो आपने खुद ने खरीद लिया तो अपने पास वो डिबेंचर आ गया करके आई कैन से, तो भी आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपने मिस्टर से अभी खरीद लिया ये डिबेंचर, नहीं तो आपको 5 साल बाद पैसा देना पड़ता उसको, यू जस्ट बॉट इट। तो अगर आपने डिबेंचर खरीद लिया है, इस केस में ऐसा होने वाला है 100 रुपये का डिबेंचर वापस आ गया आपके पास और आपने इसके बदले लेटर से अगर मैं बोलता हूँ ऐसा दिया है कि 110 रुपया दिया है,
डिबेंचर वॉज फेस वैल्यू वॉज 100 एंड यू पेड 110, टेल मी इज इट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? आपने कैंसिल कर दिया अपना डिबेंचर खरीद के, जैसे आप शेयर्स भी कैंसिल कर सकते हो खरीद के, बायबैक होता है, तो डिबेंचर खरीदा आपने खुद का, तो मुझे बताइएगा इज इट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन और लॉस ऑन कैंसिलेशन? अच्छा देर इज अ डाउट. अच्छा लॉस क्यों? बिकॉज 100 वाले डिबेंचर का आपने 110 रुपया दिया, तो देर इज अ लॉस ऑन कैंसिलेशन करके. आपने बोला वेट नहीं करते अपने कंपनी का, अभी अपने पास बहुत पैसा है, चलो डिबेंचर का पेमेंट अभी कर देते हैं, लेट्स नॉट वेट करके, तो आपने डिबेंचर खरीद लिया तो लॉस हो गया करके, दैट इज अ लॉस ऑन कैंसिलेशन. प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में आएगा. लेट अस से दैट डिबेंचर 100 का था, यू पेड देम ओनली 90. आई होप यू अंडरस्टैंड 10 रुपया इज अ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, POC करके. यस दैट इज क्लियर. अच्छा मैंने क्या बोला था, आप डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का पैसा तो दोगे ही दोगे, डिबेंचर के साथ क्या देना पड़ेगा? लेट अस से 1000 का दिया आपने, 1000 रुपीज था डिबेंचर का, आपने उसको 1100 डिबेंचर का दिया, तो 100 रुपये का दैट इज अ प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन कैंसिलेशन, कि आपने 100 रुपया ज़्यादा दे दिया उसको, लेकिन आपने अलग से उसको 400 रुपया इंटरेस्ट का भी तो दिया था, लेकिन ये आपके लिए प्रॉफिट लॉस नहीं है. अभी आपने दिया है एज अ कंपनी, तो आपका बाद में का वो इंटरेस्ट वाला सीन ये हो गया, मतलब यू आर पेइंग फॉर हिम इंटरेस्ट ऑल्सो करके, तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक करके, तो आप बींग इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, और ये आपने इंटरेस्ट का पैसा दिया. आप हमेशा दो पैसे देते हो, एक डिबेंचर के लिए पैसा देते हो, जो भी डिबेंचर खरीदते हो आप इंटरेस्ट के लिए देते हो, तो पहली एंट्री डिबेंचर की है, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की है. इज इट क्लियर? या सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा डाउट है? अगर डाउट है तो बोलो. ओके गाइस, सो अभी ये वाली चीज पे भी आते हैं, मेथड टू पे भी आते हैं, ये कब फॉलो करने का आई विल टेल यू, बट आई हैव गिवन यू वन रफ आइडिया एज टू हाउ द थिंग्स वर्क करके. ओके अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट बता दूं ना, तो मैंने यहाँ पे समराइज भी कर रखी है एंट्रीज एक बार फटाफट से. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बिगनिंग में क्या पढ़ने का, एंडिंग में क्या पास करने का. बिगनिंग में दो चीजें क्रिएट करने का, P&L टू DRR रिजर्व क्रिएट करो, फिर वो रिजर्व को इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक पैसा जाएगा, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे. अच्छा और बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 10% क्या क्रिएट होता है, रिजर्व क्रिएट होता है. 15% क्या क्रिएट हुआ है आपका, इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ क्रिएट होता है. लिस्टेड कंपनी है तो खाली DRR इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ क्रिएट होगा, अनलिस्टेड है तो दोनों चीज़ें क्रिएट होगी करके, DRR DRRI भी क्रिएट होएगा. तो इतना हो गया. हाँ अभी जब रिडम्पशन होएगा तो देखो क्या होएगा, ये जो आपने DRR क्रिएट किया था या बेच दोगे इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा चाहिए रहेगा पेमेंट के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये हो गया, और ये जो आपने रिजर्व पैसा ब्लॉक करके रखा था वो भी फ्री कर दोगे, तो DRR से जनरल रिजर्व में लेके जाओगे. और डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, जो भी पैसा आपका आया है ना इन्वेस्टमेंट से, तो दो तरीके से पैसा दे सकते हो. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल के बाद रिडम्पशन करो, मतलब पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर. आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो 5 साल के बीच में कभी भी आप अपने खुद के डिबेंचर खरीद लो. तो एक होता है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर और एक होता है आपका ओन परचेज. अगर आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हो तो डिबेंचर होल्डर को 100 रुपये का 105 दोगे तो 105 देना है, और 105 दे दिया, अरे 5 रुपये आपने P&L में ट्रांसफर किया. देन ओन वाला आता है, ओन वाले में दो एंट्री आती है. आप एक तो खुद के डिबेंचर्स खरीदते हो तो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस ऑन कैंसिलेशन आप इंटरेस्ट का पैसा देते हो, तो इंटरेस्ट टू बैंक. चलो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में समझते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. थियोरी पूरा समझा दिया, अभी जितने जितने क्वेश्चन करेंगे ना गाइस उतनी अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी. और रेगुलर लेक्चर में ये क्वेश्चन करने के लिए अराउंड 1 घंटा लगता है, बट अपने को यहाँ पे एकदम कम लगेगा. आई एम ट्राइंग कि 15 मिनट में अपन कर ले करके. तो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम मॉड्यूल में देखेंगे. ओके गाइज, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो देखिएगा जरा किधर है ये, किधर है. अच्छा जी ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके आई विल नीड आंसर, तो आपके आंसर चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए. चलो ठीक है शुरू करते हैं. देखिएगा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने से पहले हमेशा एक ये समरी बनानी होगी आपको, ये समरी हमेशा बनानी होगी. तो लेट अस स्टार्ट. 1 जनवरी को रमा लिमिटेड, इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी. अच्छा मुझे बताइए चैट बॉक्स में, अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक चीज़ क्रिएट करने का कि दो, या तो ऐसा बोल दो DRR और DRRI दोनों क्रिएट करने का, या खाली क्या दोनों में से क्या क्रिएट करने का, DRRI क्रिएट करने का खाली, इफ़ इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी. चलो ठीक है, अनलिस्टेड होते तो दोनों आ जाता. नो अगे हैड 5000 डिबेंचर्स ओवर रुपीज 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% करके. चलो मैं आपको क्या बता देता हूँ सोल्यूशन का, है ना कि ये फॉर्मेट रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है. डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, मंथ्स, इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एक एक करके सब कुछ समझेगा. हैव सम पेशेंस, पूरा वर्किंग नोट समझ में आएगा, और अगर ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एक एक करके. सो जस्ट पे अटेंशन. सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ
कि कंपनी का 1 तारीख के फर्स्ट जैन करके, फर्स्ट जैन को 500 डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट जैन, पहले मैंने ये लिख दिया, देखो आप देख सकते हो फर्स्ट जैन करके फर्स्ट जैन लिख दिया, ये ओपनिंग बैलेंस है 500 डिबेंचर से 100 के हिसाब से। तो 500 × 100 50,000 के मेरे फेस वैल्यू के डिबेंचर थे जो मैंने लिख दिए। देखो ये 500, आपको ये समझ में आता है 500 × 100 करके, हाँ। और 6% उसका इंटरेस्ट है, तो चलो मैंने इंटरेस्ट के ऊपर देखो यहाँ पे 6% लिख दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6% लिख दिया कि 6% ही आपका इंटरेस्ट रेट है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सो रिक्वायरमेंट ये कि आपको DRRI क्रिएट करना है, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पे आगे देखते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड डिबेंचर, अक्वायर्ड मतलब हमने डिबेंचर्स खरीदा है, ओन परचेस है, परचेस एंड कैंसिलेशन, ये ओन परचेस वाले, हम खुद के डिबेंचर्स खरीद रहे, एक्वायर्ड लिखा है, फ्रॉम द ओपन मार्केट, हमने मार्केट में से खरीदिए, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो परचेस एंड कैंसिलेशन ये वाला केस है। डिबेंचर्स में 2 केस थे गाइज, मैंने आपको बता दिया था, एक तो आप डिबेंचर होल्डर को 5 साल बाद पैसा दोगे, या तो आप बीच में खुद खरीद के कैंसिल करोगे ओन परचेस एंड कैंसिलेशन करके, ठीक है। चलो देखते हैं, तो आपको डेटा देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, 1 मार्च को वगैरह कुछ कुछ खरीदा है करके। मैं क्या बोलता हूँ, बात सिंपल है, और सबसे पहले आपको इंटरेस्ट के डेट्स ढूंढने हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्ट के डेट्स। तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th June and 31st December, कहने से ये इधर आ जाएगा जून, मतलब इधर आ जाएगा 30th June, और दिसंबर मतलब 31st December, मतलब इधर आ जाएगा करके, हाँ। तो आपको समझ में आता है, आपके 5 डेट्स हो गए, पहला ओपनिंग बैलेंस था वो तो लिख दिया अपन ने, देन 1, 2, 3, 4, आप देख सकते हो सॉल्यूशन में यही लिखा गया है। सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले मैंने देखो ये लिख दिया है फर्स्ट जैन के बाद यू कैन सी देर इज अ 31st March विच इज रिटन, विच यू कैन सी दिस 31st March, सॉरी 1st March, सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1st March, 1st March के बाद 30 जून लिख दिया है, और 30 जून के बाद मैंने क्या लिख दिया है, 1st August, तो 1st August लिख दिया है। उसके बाद क्या क्या है, 1st August के बाद अगर आप देखोगे तो 15 December है और 30th December है। पहले आपको डेट क्लियर है क्या, मैंने क्या क्या करके, मैंने क्वेश्चन देखा और बीच में 2 इंटरेस्ट के डेट से तो उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, हाँ सर, ठीक है, चलो। तो नाउ इफ वी प्रोसीड तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं मंथ्स की ओर। तो अभी और भी मैं कुछ चीज़ें जो लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या लिख देता हूँ, हमने क्या देना है यहाँ पे, 5,000 हमने परचेस करके क्या किए, एक्वायर्ड एंड कैंसिल, कितने 5,000, फिर 10,000 एंड फिर 2,500, तो ये तीनों लिख देंगे अपन, 5,000, 10,000 एंड 2,500, 5,000 यू कैन सी 5,000, 10,000 एंड 2,500, ये मैंने लिख दिया वो डेट्स के सामने, ये इन तीनों डेट्स के सामने। अभी बीच बचे हुए 2 इंटरेस्ट के डेट्स है, परचेस एंड कैंसिल, पी एंड सी का मतलब है परचेस्ड एंड कैंसल्ड करके, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ 50,000 के डिबेंचर थे, उसमें से 5,000 के डिबेंचर खरीद लिए फेस वैल्यू के, तो बचे कितने सर, 45,000, फिर 45 में से वापस मैंने और 10,000 और 2,500 खरीद लिए, तो 45,000 माइनस 10,000 माइनस 2,500 3,250। आई होप दैट इज क्लियर, ये वाला सीक्वेंस भी क्लियर है आपको कि क्या किया मैंने, ये तीनों माइनस करते गया तो ये वाला आंसर आ गया। तो देखो पहले मैंने क्या किया, डेट्स फिलअप किया, वो 2 इंटरेस्ट के डेट बीच में डाल दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो भी पहले उन्होंने ये दिए थे ना, परचेस एंड कैंसिल वो लिख दिया और उसको माइनस करते चले गया, और ये तो आपके इंटरेस्ट का डेट्स है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मैं बता रहा हूँ, बट बाय द टाइम आप 1-2 क्वेश्चंस कर लोगे यू विल गेट अ प्रैक्टिस, क्या ये सर बराबर है, एकदम बराबर जा रहा है ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है, अभी हम आगे जाते हैं देखो आगे करोगे तो क्या करोगे, अब मैं बोलता हूँ मंथ्स के ऊपर आते हैं, अभी हम मंथ्स के ऊपर आ रहे हैं। अगर हम मंथ्स के ऊपर आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा इंटरेस्ट, देखो 2 दिन पे होता है, 2 दिन, एक तो आपका कब पे होता है, जून को पे होता है और दिसंबर को पे होता है, जून और दिसंबर को, तो मैंने लिख दिया 30 जून को पे होता है और 31 दिसंबर को पे होता है। तो मुझे बताइए अगर मैं 1 जैन की बात करता हूँ कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग रहेगा यहाँ पे, 0, क्यों, बिकॉज 1 जैन के पहले ही इंटरेस्ट पे हो गया है, कब पे हो गया, 30, ये इंटरेस्ट के लिए कॉलम है, 30 सितंबर को पे हो गया है करके, ओके। चलो अभी आपको अगर मैं चैट बॉक्स में आंसर भेजने बोलता हूँ तो देखिएगा जरा क्या आ सकता है, ट्राई कर सकते हो जरा तो पता चले। चलो सेकंड वाले का आंसर दो, अगर चैट बॉक्स के अंदर अगर 1 मार्च को मैं बोलता हूँ तो कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग रहेगा,
लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ रहेगा? हाँ, तो 2 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग रहेगा, बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में पे हुआ रहेगा 31 दिसंबर, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का पेंडिंग है। मार्च तो फर्स्ट है ना, तो वो थोड़ी गिनने का। अच्छा, मैं 30 जून की बात कर रहा हूँ, 30 जून को तो इंटरेस्ट पे होगा, और 30 जून को इंटरेस्ट कितने महीने का पे होगा? 6 महीने का पे होगा, बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था? लास्ट इंटरेस्ट तो दिसंबर के एंड में पे हुआ था 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे 6 महीना आ जाएगा। चलो 1 अगस्त की बात करता हूँ, तो अब कहाँ से गिनने का? आई होप यू अंडरस्टैंड, अभी जून से गिनने का कि सर जून में इंटरेस्ट पे हो गया, तो जून के बाद जुलाई अगस्त, सर अगस्त तो नहीं आएगा, 1 अगस्त है, तो कितना महीना आएगा बता दीजिए। यहाँ पे कितना महीना आ जाएगा बोलो जरा, दूसरे लोग जो देख रहे हो लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 1 महीना आएगा ना बाबा, 1 महीना आएगा ना, क्लियर है आपको? बिकॉज जून में पे हुआ यार अपन, मैं 1 जुलाई थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं 1 अगस्त बोल रहा हूँ ना, तो 1 महीना तो पास हो गया है ना। हाँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आपका जून में पेमेंट हुआ है 30 जून को, तो जुलाई का पूरा महीना खत्म हो गया 1 अगस्त पे, तो 1 महीना खत्म हो गया है, तो इधर 1 महीना वो आ जाएगा। और बाद में अगर आप इधर देखोगे तो इवन दैट शुड बी अंडरस्टूड। अभी मैं 15 दिसंबर की बात करता हूँ, तो इंटरेस्ट कब पे हुआ है? 30 जून को, तो वहाँ से अगर आप गिनोगे तो सर अभी कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है सर, तो जून से लेकर दिसंबर 6 महीना होता है, और ये 15 है, तो 30 दिसंबर तो नहीं है, तो 5.5 हो जाएगा, और ये 6। इज इट क्लियर? यू कैन से यस इन द चैट बॉक्स, देन आई कैन प्रोसीड, यस दैट इज क्लियर करके। लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है? अगर आप इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के अंदर 6% पर एनम दिया गया है। कितना दिया गया? 6% पर एनम दिया गया है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करूं तो ये 6% पर एनम है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, परचेस एंड कैंसिल जो आपने किए हैं 5000 डिबेंचर, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा सामने वाले को? जब आपने खरीदा है ना ये 1 मार्च को, तो सामने वाले को 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? देखो, 5000 × 6%, लेकिन ये तो 1 साल का हो गया सर। 5000 के डिबेंचर खरीदोगे तो 6%, ये 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सामने वाले को। लेकिन सर आपने तो दिसंबर को इंटरेस्ट पे हुआ और आप 1 मार्च को खरीद रहे हो, तो ये 2 महीने का ही आएगा, मतलब × 2/12 हो जाएगा। देखो जरा, मेरे को चैट बॉक्स में अभी आंसर्स चाहिए कुछ चीज़ों के, देख लीजिएगा एक एक करके। ओके, पहला क्वेश्चन है, तो आई नीड सम आंसर्स। तो 5000 × 6% × 2/12, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कैलसे पे निकालिए। ओके, मुझे फाइनल आंसर भेजिए, ये यहाँ पे कितना आएगा इसके आगे निकालो जरा आंसर। यहाँ पे आपका 45000 का डिबेंचर पेंडिंग है, तो ज़रा फाइनल आंसर भेजिए, इंटरेस्ट में कितना दिखेगा? 45000 × 6% × 2/12 भेजिए जरा। यस, 1350। कैसे? तो 45000 × 6% पहले इंटरेस्ट, ये 1 साल का, अपने को तो 6 महीने का यहाँ पे, दैट इज 1350। चलो आगे का भी भेजिए, 10000 का आपने डिबेंचर्स खरीदे 1 अगस्त को, सामने वाले को 1 महीने का ही देना पड़ेगा, बिकॉज जून में पेमेंट हो गया है, तो 10000 × 6% × 2/12, यस दैट इज 50 करके। चलो और आगे का एक बार ट्राई करते, 2500 × 6% × 5.5/12 करके, दैट इज 69 करके, या वी कैन सी दैट 68.75, दैट इज 69। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरा वो भी भेज दो, भेजिए, यू विल हैव टू सेंड मी द आंसर्स, या 975 करके, एग्जैक्टली। अभी अगर मैं बात करूं तो अपना ये वाला कॉलम भी क्लियर है, हाँ सर ये सारे कॉलम्स क्लियर है। अभी हम बात करते हैं, हमने डिबेंचर देखो, या तो कम इंटरेस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दोनों में से देखने का कौन सा प्राइस दिया है उस हिसाब से लिख देना का करके। ओके ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आपका यहाँ तक का काम हो गया है। अभी हमें कम इंटरेस्ट और कहाँ पे देखना है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट को देखना है। अभी हम कम इंटरेस्ट को देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5000 रुपीज के डिबेंचर है, और डिबेंचर एक कितना है, 100 रुपीज का है। तो कैन यू टेल मी, 5000 के डिबेंचर, तो चैट बॉक्स में कितने डिबेंचर खरीद रहेंगे? एक डिबेंचर 100 का है, तो अपन ने 50 डिबेंचर खरीद रहेंगे अगर आप देखोगे तो। सर यहाँ पे 10000 के डिबेंचर से, मतलब अगर यहाँ पे 100 डिबेंचर्स खरीद रहेंगे, और यहाँ पे 2500, मतलब अपन ने 25 डिबेंचर्स खरीद रहेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, तो कैन आई सी दैट, अगर एक डिबेंचर 50 रुपये का है और हमने 98 रुपीज में खरीदा है, तो 50 × 98 कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। 4900 देखो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन ये 4900 कौन से कॉलम में लिखूँ? कम इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में। तो देखो 4900 यहाँ पे कम इंटरेस्ट के नीचे लिखा गया है, ये आपका 1 मार्च वाला ट्रांजैक्शन, 1 मार्च वाला ट्रांजैक्शन। ओके, 1 मार्च वाला।
अब समझिए, जो पहले हम लोग ये देख रहे थे, देखो 1 मार्च मैंने लिख दिया, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अभी मेरे को और एक परचेस एंड कैंसिलेशन कब हो रहा है आपका, 1 अगस्त को हो रहा है। कितना? 100 डिबेंचर्स का एट द रेट दिस 100 × 100.25 आंसर आएगा 1025। 1025 कहाँ पे लिखा जाएगा आपका, तो वर्ड क्या लिखा गया यहाँ पे, कम इंटरेस्ट, मतलब आपने जो पेमेंट की है अभी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, दैट इज दिस 1025 करके। ओके, नाउ आई कैन से दैट 98.5, तो 98.5 × 25 वॉट एवर इज योर वैल्यू दैट इज दिस 2463। ये 15 दिसंबर आपके तीन तीन यहाँ पे ये हो गए, देखो परचेस एंड कैंसिलेशन, तो ये वैल्यू मेरी एक्स इंटरेस्ट है। वहां पे क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा गया था, एक्स इंटरेस्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट इज एक्स इंटरेस्ट। टेबल पहली बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, 3-4 बार बनाने के बाद हैबिट हो जाएगी अपने को क्या है करके। सबसे पहले बताइएगा यहां तक जो अपने यहां तक का पार्ट क्लियर है, या आपने अभी जो लिखा वो? यस। तो देखो अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये दो कॉलम्स है, ये मान लो कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो मैं ये बोल देता हूँ कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट माइनस कर दूं, मतलब इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं, तो आपको एक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखते हैं, मेरे को क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी थी। अगर मैं बोलता हूँ मैंने सामने वाले को 4900 का पेमेंट किया है 1 मार्च को, आप देख सकते हो मैंने उसको 1 मार्च को पेमेंट किया है 4900 का, ये यहाँ पे 98 × 2, तो और ये कम इंटरेस्ट है और उसमें इंटरेस्ट कितने इंक्लूडेड है 50। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ एक्स इंटरेस्ट, दैट इज गोना बी 4850। आप बोल दोगे 4900 में जो 50 का तो मैंने इंटरेस्ट दे दिया था उसको, सो मेरे को हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू में इंटरेस्ट होता है। क्यों? ये डिबेंचर की खुद की वैल्यू है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मुझे खाली डिबेंचर की वैल्यू चाहिए। ओके, नाउ मैंने डिबेंचर को ये 10025 का पेमेंट किया था, देखो ये वाला विच इज ये 100.25 × 100, तो मेरा आंसर ये आ गया था 10025। इसमें से अगर मैं माइनस 50 इंटरेस्ट का निकाल दूं, जो मैंने निकाल के रखा है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो 9975 करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड देन आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, और जो ये ऑलरेडी दे दिया गया है, ये आपको एक्स इंटरेस्ट दे दिया था तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट दे दिया गया था। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमें ये वैल्यूज चाहिए थी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दो वैल्यूज एक्स कम इंटरेस्ट दी गई थी, तो हमने ये दोनों का डिफरेंस निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे, ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट ही दी गई थी अभी। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो डिबेंचर है कितने का, अब देखो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 5000, और हमने डिबेंचर के लिए पेमेंट कितना किया है 4850 का। मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर, 5000 वाले डिबेंचर को अपन ने 4850 में खरीदा एक्स इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, खाली डिबेंचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4850 में खरीदा, तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ 150 का? प्रॉफिट, जहां पे 5000 का डिबेंचर था वो अपने सस्ते में खरीद लिया, यू कैन सी यू बॉट इट फॉर 4850, द डिबेंचर वैल्यू वॉज 10000, आपने उसको कितने में खरीद लिया 9975 में। अब ये डिफरेंस देखो, 3 माइनस फेस वैल्यू, 3 माइनस मतलब ये 3, इसमें से फेस वैल्यूज माइनस कीजिए, दैट इज 10 9975 माइनस दिस, आपको अगेन 25 रुपये का फायदा दिख जाएगा यहाँ पे, अगर आप ये करोगे वैल्यूज तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट हियर ऑल्सो। अब देखो तो 2500 का डिबेंचर है, आपने सस्ते में खरीद लिया, टेक द डिफरेंस, आप ये दोनों को माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा 37 रुपीज़ का। आई होप दिस इज क्लियर करके, दिस इज वेरी मच क्लियर अभी तक आपने जो डिस्कशन किया। यस, ओके, अभी हम एंट्रीज पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या पूछा है क्वेश्चन में। शो द लेजर अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ ईयर्स इग्नोरिंग इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को इग्नोर करो, चलो ठीक है, और कितने अकाउंट बोले हैं, डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट करके। मैं क्या बोलता हूँ, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी है, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी है, तो कौन सा अकाउंट आना चाहिए, डी आर आर आई आना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन में पूछा है क्या डी आर आर आई बनाओ, डी आर आर आई बनाओ करके इन्वेस्टमेंट, नहीं पूछा तो स्मार्ट नहीं बनने का। क्वेश्चन ने खाली दो ही पूछा है, डिबेंचर अकाउंट बना दो और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो बस दो ही अकाउंट बनाओ। पूछा होता तो मैं बना देता, लेकिन सर पूछा नहीं तो नहीं बनाने का, तो नहीं बनाने का, पूछा नहीं ना डीआरआर के बारे में, तो कुछ मत बनाओ, दो अकाउंट बना दो। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ रेफरेंस नोट, लिस्टेड कंपनी हेंस डीआरआर विल बी आई विल बी क्रिएटेड, बट क्वेश्चन हैज नॉट आस्क अस टू प्रिपेयर दिस, सो वी वोंट प्रिपेयर करके, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे करके, ठीक है। तो अभी देखो आपकी इंटरेस्ट क्या क्या होंगी करके, अगर मैं इंटरेस्ट बात करूँ तो मैं 2 साल में स्प्लिट कर रहा हूँ इंटरेस्ट को। देखो
इंटरेस्ट आपकी क्या क्या होगी। तो यहाँ पे डेट्स आपको दिख रही है, फर्स्ट ये जितने भी डेट्स है। अच्छा, इसको अगर मैं हाफ ईयर में डिवाइड करूँ तो हाफ ईयर कहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे योर हाफ ईयर विल बी देयर, यहाँ पे आपका हाफ ईयर हो जाएगा। देखो आपका, तो देखो आपकी एंट्रीज ऐसी हो जाएगी। अभी देखो, अगर आप एंट्रीज देखोगे तो एंट्रीज क्या आएंगे जरा वो देख लीजिएगा। वॉट आर द एंट्रीज दैट यू गाना पास, आप एंट्रीज क्या पास करोगे करके, ओके एंट्रीज क्या पास करोगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हाफ ईयर हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है उसकी तो कोई एंट्री नहीं, दैट इज जस्ट अ बैलेंसिंग फिगर, उसकी एंट्री नहीं होती। अभी जो ट्रांजेक्शन होंगे उसकी एंट्री होगी, ये परचेस एंड कैंसिलेशन। तो अगर आपने परचेस एंड कैंसिल किया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंट्री क्या होगी। देखो ये अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, परचेस करोगे तो डिबेंचर आपके पास आ जाएगा, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा और उसकी वजह से या तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा या तो लॉस ऑन कैंसिलेशन होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिबेंचर 5,000 का है, ये आया है आपके पास, उसके बदले आपके जेब से डिबेंचर के लिए कितना रुपया गया, इतना डिबेंचर के लिए गया और आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो देखो ये कॉलम और लास्ट के दो कॉलम देख लो, तो आप देख सकते हो 5,000 इज द डिबेंचर का वैल्यू जो आपके पास आया है, आपने बैंक में कितना दिया है 4,850 और यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बिकॉज आपने सस्ते में खरीद लिया। क्या ये एंट्री समझ में आ गई, कैन वी प्रोसीड? यस। अच्छा मुझे बताओ, जब आपने ये ट्रांजेक्शन किया परचेस एंड कैंसिलेशन, आपने पेमेंट खाली डिबेंचर के लिए किया रहेगा क्या? नहीं, उसके साथ आपने उसको इंटरेस्ट का भी पैसा दिया रहेगा और इंटरेस्ट का कितना रुपया दिया रहेगा, 50 रुपया दिया रहेगा इंटरेस्ट का। अभी इंटरेस्ट की एंट्री, तो अगर 50 रुपया इंटरेस्ट का दिया तो इंटरेस्ट क्या एंट्री क्या आ जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो आपने 50 रुपया दे दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज गोना बी योर एंट्री। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, आई कैन प्रोसीड अहेड। यस नाउ, तो आपने परचेस एंड कैंसिलेशन की दो एंट्री हमेशा पास कर लेनी है। चलो अभी इंटरेस्ट की एंट्री, अभी इंटरेस्ट कितना है 1,350, इसकी एंट्री पास करो। इंटरेस्ट आप ये अगर पे करोगे तो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ना डिबेंचर होल्डर्स को, तो इंटरेस्ट इज गोना बी दिस 1,350, 1,350, आप देख सकते हो दिस 1,350। तो ये अभी आपका पूरा यही खेल, अभी परचेस एंड कैंसिलेशन दो एंट्रीज आएंगी, एक तो डिबेंचर का पैसा दोगे, एक तो इंटरेस्ट का पैसा दोगे। डिबेंचर का कितना दोगे, तो देखो आप ये तारीख को 1 अगस्त को आप क्या बोल दोगे, सर 10,000 का डिबेंचर खरीदा, ये और ये, तो ये दोनों एक जगह पे और ये एक जगह पे, देखो 10,000 अपने 10,000 1 अगस्त की बात कर रहे हैं। थोड़ा क्लियर हो रहा है या आपने को स्लो जाना चाहिए, इज इट क्लियर एवरीथिंग, क्लियर लिख दीजिए, या दैट इज क्लियर करके। तो वी कैन से दैट 10,000 का आप डिबेंचर खरीद रहे हो, इतना रुपया दे रहे हो तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है करके, लॉस होता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता प्रॉफिट ही हो रहा है गाइस। ओके सेम गोज अगेन, ये एंट्री होने के बाद आप वापस परचेस कैंसिलेशन की दो एंट्री पास करोगे, 2,500 और 2,500, हियर आई कैन से दिस एंड दिस करके। तो आपने ये 15 दिसंबर को एंट्री पास कर लेनी है, 15 दिसंबर को देखो 2,500 के डिबेंचर खरीदे, इतना रुपया दिया, 37 का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, देन 69 का इंटरेस्ट भी दिया उसी टाइम पे, तो दो इंटरेस्ट आ गई और लास्ट में 975 का इंटरेस्ट, दैट इज दिस 975 975। अच्छा अभी आपको क्या बनाने का है, एक्चुअली में इंटरेस्ट तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, वो लोग ने इंटरेस्ट भी नहीं मांगी थी, उन लोग ने लेजर अकाउंट मांगा था, तो लेजर अकाउंट बना दीजिए, एक डिबेंचर का आ जाएगा और एक आपका डिबेंचर इंटरेस्ट का, दो चीज़ें पूछे। अभी बस पोस्टिंग करनी है, अगर मैं डिबेंचर वर्ड देखता हूँ तो देखो डिबेंचर वर्ड है, तो डिबेंचर के डेबिट में पोस्टिंग करते चाहिएगा। देखो पहले ओपनिंग बैलेंस, आपका 1 जन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 50,000 लिख दीजिए, वो देखो यहाँ से आ जाएगा 5,000। अभी डेबिट क्रेडिट करते जाना है, ओके जब भी डिबेंचर खरीद रहे हो देखो 1, 2, 3 डेबिट आने वाले बिकॉज आप खरीद रहे हो 5,000, या तो आप एंट्री में ही देख लो 5,000 10,000 2,500, तो ये डेबिट में जाके लिख दीजिए। हाँ लेकिन लिखते टाइम देखो कैसा लिखोगे, पहला 5,000 के दो ब्रेकअप के साथ लिख दोगे, 1 मार्च को आप बोल दोगे बैंक का इतना, ये 5,000 डेबिट हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने पैसा तो इतना ही दिया डिबेंचर खरीदा, तो डिबेंचर का आप डेबिट में जाके दो इंटरेस्ट लिख दोगे 150 एंड 4,850। फिर आप अच्छा ये ईयर एंड हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट आपको 2 साल में स्प्लिट करना है, आपको बोला था हाफ ईयरली करना है, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हाफ ईयर, ये ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है। नाउ यू विल सी कैरिड डाउन करके 45,000 के डिबेंचर कैरिड डाउन हो जाएंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं ये 30 जून को क्लोज करता हूँ तो वो भी दिख जाएगा, और 45,000 के डिबेंचर कैरी होने के बाद इधर आ गए वापस ओपनिंग में। अब दो एंट्री, डेबिट में ये दो चीज़ें लिख दो, डेबिट में ये दो चीज़ें लिख दो, 1 अगस्त 15 दिसंबर 1 अगस्त 15 दिसंबर, ये दो चीज़ें लिख दो, फिर क्लोज कर दीजिएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। क्या ये क्लियर है या थोड़ा फास्ट हो गया, ये समझा क्या हुआ करके, समझा ठीक है। नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करते गाइस, डिबेंचर इंटरेस्ट की, अगर हम डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, या तो एंट्री देख लो
डिबेंचर इंटरेस्ट के डेबिट में 1, 2, 3, 4, 5 सब इंटरेस्ट टू बैंक करके लिखते जाना है। पहले 50 फिर ये डेट्स लिख दो, 5 और 5, लेकिन 2 साल में स्प्लिट करना है तो पहले ये दो डेट लिख दो, स्प्लिट है ना दो टाइम में, तो ये 1st मार्च और 30th जून लिख दो, 1st मार्च 30th जून टू बैंक बैंक 50 और ये देखो 50 and 1350। उसके बाद व्हाट यू गना राइट इज दिस, ये तीन आप लिख दोगे 50 69 975, 50 69 975 ये तीन, और ये तभी ये बैलेंस आप 6 महीने के बाद PNL में भेज दोगे बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, तो दैट शुड बी ट्रांसफर टू द PNL अकाउंट। तो क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट टुक मोर टाइम बट क्लैरिटी इज देयर नाउ। ओके ओके गाइज, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द मॉड्यूल नाउ। ओके लेट्स हैव अ लुक एज टू क्या क्या पूछा गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, वी कैन से लिस्टेड कंपनी। जैसी वर्ड लिस्टेड बोल आपके दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए? DRRI की। लेकिन सर क्वेश्चन में पूछा है तो ही बनाने का, ज्यादा नॉलेज नहीं देने का। तो क्वेश्चन केंड में क्या पूछा है? डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, इस बार देखो नाम क्या दिया है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके भी बोला है, तो ये एक और एक अकाउंट बोला गया है। तो देखो मैं आपको सोल्यूशन बताते टाइम एक बोल रहा था कि जब आप परचेस और कैंसिल करते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, हमेशा आपको यही फॉलो करना है मेथड नंबर 1। तो ये एंट्री पास करनी है डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर टू बैंक करके। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, आपने 100 का डिबेंचर खरीदा और लेट अस से दैट आपने उसके लिए 90 रुपया ही दिया, तो कैन आई से 10 इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? यस सर, 100 वाला डिबेंचर खरीदा आपने 90 रुपये उसको दिया तो 10 का प्रॉफिट, और बाद में आपने लेट अस से 20 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, तो ये दो एंट्रीज हो गई। लेकिन बहुत बार कंपनी कैसे ट्रीट करती है, जो डिबेंचर उसने खरीदा है ना वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करती है। जैसे आप किसी का शेयर्स खरीदते हो तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, सेम वे अगर कंपनी भी किसी का डिबेंचर खरीदेगी तो इन्वेस्टमेंट, तो खुद के डिबेंचर खरीदने को भी एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर सकती है। तो एंट्री कैसे होगी देखिएगा, अगर ऐसा लिखा गया है ना क्वेश्चन में, इफ द क्वेश्चन सेज टू प्रिपेयर ओन डिबेंचर अकाउंट, तो ऐसी इंटरेस्ट पास करता है। अभी इसमें देखो इंटरेस्ट क्या होगी, जहां पे एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा डिबेंचर को। देखो सबसे पहले आपने 90 रुपये के डिबेंचर खरीदे तो 90 के 90 की एंट्री आ जाएगी, आपने 90 रुपये का डिबेंचर खरीदा तो आपको 90 रुपये में पड़ा, तो यू विल इन्वेस्टमेंट, यू विल से कि मैंने 90 रुपये की इन्वेस्टमेंट की डिबेंचर के अंदर। लेकिन सर ये तो खुद का डिबेंचर है, तो देखो अभी बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपका ओन डिबेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 90 रुपये का, और उसके अगेंस्ट ही आपकी डिबेंचर की लाइबिलिटी भी 100 रुपीज की दिख रही है। अब आप ये असेट के अगेंस्ट ये लाइबिलिटी कैंसिल कर दोगे करके, पहले आपने असेट रिकॉर्ड किया, लाइबिलिटी थी वो ठीक है, अभी आपने मार्केट से डिबेंचर खरीदा 90 रुपए का तो एक असेट रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इट इज ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्चुअली आई हैव रिटन ओनली ओन डिबेंचर। अभी ये दोनों को कैंसिलेशन करूंगा तो मुझे बताओ प्रॉफिट दिखेगा कि लॉस दिखेगा? 90 रुपए के असेट के अगेंस्ट 100 रुपए का लाइबिलिटी कैंसिल होएगा तो प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट होगा, देखो प्रॉफिट होगा ना बाबा, लाइबिलिटी आपकी डिबेंचर की कितनी दिखेगी? 100। देखो डिबेंचर की लाइबिलिटी आपकी 100 की दिखेगी, लाइबिलिटी को मैंने 90 रुपये के असेट से सेट ऑफ किया, किसी को मेरे को 100 रुपया देना था, मैंने उसको बोला 90 रुपये का असेट ले ले करके, और मैंने बोला ठीक है सब चुकता कर देते, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 10 रुपये का मेरे को फायदा हो गया यहाँ पे इस चीज में। वेर आई वॉज सपोज टू पे 100 रुपीज टू समवन एज अ लाइबिलिटी, आई टोल्ड हिम टेक दिस 90 रुपीज का सेट, तो आई गॉट 10 रुपीज का बेनिफिट ना, आई होप सो दैट एंट्री विल बी डिबेंचर 100 का कैंसिल होएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डिबेंचर की इन ओन डिबेंचर में आपने असेट क्रिएट किया उसको रिवर्स कर दो 90, तो आपको 10 रुपये का फायदा दिख जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो बस हो क्या रहा है, ये जो एंट्री आपकी पास हो रही थी ना ये उसको लोग ने तोड़ दिया, मतलब ऐसा देखो यहाँ पे बस वो थोड़ा बैंक अकाउंट डेबिट, वो बैंक अकाउंट नहीं आएगा ओन डिबेंचर, और ओन डिबेंचर टू बैंक ये ऊपर आ जाएगा, बस मतलब बीच में एक असेट क्रिएट कर देना है बस, और ऐसा कुछ ये नहीं है, और इंटरेस्ट का एंट्री तो सेम ही रहेगा डिबेंचर इंटरेस्ट टू दिस, मतलब सिंपल यहाँ पे बैंक ना लिखते हुए ओन डिबेंचर लिख दो, और ओन डिबेंचर तो पहले एक एंट्री पास कर दो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके सिंपल 90 की, वैसा है। क्या ये समझा आपको शॉर्टकट में मैंने जो बोला वो क्या करना है आपको? खाली ये एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ओके तो गाइस, तो अगर ये लोग अकाउंट बनाने बोलते हैं ना ये वाला ओन डिबेंचर, तो इसलिए उसको बताने का, इट इज लाइक वो शेयर एप्लीकेशन कैसे होता है बताना पड़ता है ब्रेकअप, वैसे ही बता देने का। ओके कि एप्लीकेशन मनी आया करके वैसा, ठीक है चलो। अभी ये वाली इंटरेस्ट बताने के बाद गाइज लेट्स हैव अ लुक वापस क्वेश्चन को पढ़ते, अपना एक फॉर्मेट रेडी कर देते हैं यहाँ पर देखिए, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान दीजिएगा पहले ये फॉर्मेट पे। पहले मैं कुछ ही कॉलम्स आपके सामने रख रहा हूँ, डेट
पर्टिकुलर्स और फेस वैल्यू। चलो इतना देखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, ये तीन ही चीजें देखते हैं। डेट, अगर आप डेट देखोगे तो आपके पास सबसे पहले कितने डिबेंचर्स, अच्छा एंड में क्या DRRI बोला है क्या लिस्टेड कंपनी, फिर भी नहीं तो इसका टेंशन ही मत लो अभी, अभी इसका टेंशन मत लो, लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास 1,50,000 का डिबेंचर है, 5%, 30th September ऑन एक्स, विच इज इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन दिस एंड दिस डेट। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए एकदम सिंपल है, मैं इंटरेस्ट 2 दिन को देता हूँ, एक 31 मार्च को देता हूँ और 30th September को देता हूँ। तो 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट देता हूँ, 31 मार्च लिख दिया, और 30th September को देता हूँ, तो ये इंटरेस्ट के दो डेट्स मेरे ऊपर लिख दिए। चलो ठीक है, अब बैलेंस कितना कितना है करके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे पास कितना बैलेंस है करके। आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने ये डिबेंचर्स कभी इशू किए थे, कब इशू किए थे, 2010 में, तो कभी तो एक बार इशू किए थे 2010 के अंदर डिबेंचर्स, बहुत टाइम पहले। अभी आगे बढ़ते हैं, द कंपनी, और हमें ये एंट्री कौन से ईयर में पास करनी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यू विल कम टू नो, द कंपनी हैज अ पावर टू परचेस डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर द कैंसिलेशन। तो अगेन परचेस एंड कैंसिलेशन वाला केस है, द फॉलोइंग परचेसेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या किया है करके। एंडेड दिस, मतलब अभी अपना जो ईयर चल रहा है वो कौन सा है, जैन से लेकर दिसंबर की, और बात करें देखो ईयर दिसंबर में हो रहा है, और अभी 2022 की बात करें, ठीक है, तो आपने पहले डिबेंचर इशू कितने का किया था, 1,50,000 का, तो अभी वो ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा ना 1,50,000, जैन में भी कुछ रिडम्पशन नहीं बोला तो 1 जैन को वो 1,50,000 ओपनिंग में दिखेगा, आपने डिबेंचर इशू किया था तो उतना देना बनता है करके, ठीक है। एंड द कैंसिलेशंस वर मेड ऑन द सेम डेट, तो अभी इस दिन कैंसिलेशंस वगैरह हो रहे, ऑन 30th September दिस इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन वॉज दिस। मैं क्या बोलता हूँ, कितना वगैरह इन्वेस्टमेंट किया रहेगा DRRI में, लेना देना नहीं है अभी, क्यों लेना देना नहीं है, वो अकाउंट नहीं पूछा है, वो अकाउंट नहीं पूछा है, DRRRI इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसा लिखा हुआ नहीं है करके, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट का टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं समझा तो बोल देना चैट बॉक्स के अंदर अपने को, ठीक है। अभी आई होप दैट इज क्लियर, कैन वी प्रोसीड इन द चैट बॉक्स, यस ओके। चलो देखो मैं क्या बोलता हूँ, अभी डेट्स देखो क्या क्या है, एक तो दो इंटरेस्ट के डेट्स है, ठीक है, एक ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, वो अपना ओपनिंग बैलेंस ये आ जाएगा 1,50,000 जो बहुत पहले का था वो, लेकिन ये कब का आएगा, अभी 1 जैन को आएगा, 1 जैन 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ ऑन 1st ये एक ट्रांजेक्शन है, एक ये ट्रांजेक्शन से, तो दो ट्रांजेक्शन है, एक एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, ठीक है ना, अपन देख लेंगे। अच्छा और ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब कब है, इंटरेस्ट है 31 मार्च को, तो इसके बाद 31 मार्च आ जाएगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर है मतलब इसके बाद 30 सितंबर, और उसके बाद एक ईयर एंड भी आ जाएगा आपका दिसंबर करके। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट, पहले आपका ये ओपनिंग पहले तारीख को आ गया, आपका ये ओपनिंग आ गया पहले, देखो यहाँ पे पहले ओपनिंग आ गया, ओपनिंग के बाद आई कैन से दैट यहाँ पे ये आ गया आपका फर्स्ट मार्च, हाँ, और 1 मार्च के बाद 31 मार्च को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो देखो ये परचेस एंड कैंसिलेशन हो रहा है, फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर वापस 1 सितंबर को परचेस एंड कैंसिलेशन हो रहा है, और उसके बाद वापस 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट में 31 मार्च क्लोजिंग है करके, तो क्लोजिंग का डेट आ जाएगा। क्या ये दोनों कॉलम्स क्लियर है, कैसे आ गए, हेलो जैसे लास्ट टाइम बताया था चैट बॉक्स में प्लीज, यस। नाउ कैन आई सी दैट ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000, तो ये भी मैंने लिख दिया, हाँ सर। अब मैं ये देखूंगा मैंने कितने कितने डिबेंचर्स खरीदे फेस वैल्यू के, हाँ फेस वैल्यू के, पहले मैं फेस वैल्यू देखूंगा, तो मैंने फेस वैल्यू का डिबेंचर ये 25,000 है और इधर 20,000 है, इधर 25 है और इधर 20 है करके, तो चलो वो भी लिख देते हैं, 25,000 और 20,000, देखो परचेस कैंसिलेशन के सामने लिख दिया। अभी माइनस करते जाओ, अगर 1,50,000 के डिबेंचर में से अगर 25,000 का डिबेंचर खरीद लिया तो बचा कितना, 1,25 का, सर 1,25 में से 20,000 डिबेंचर खरीद लिया तो 1,5 का बचा और कुछ भी नहीं, तो ये 1,5 का ही रहेगा आगे नीचे भी, कुछ माइनस नहीं किया है परचेस कैंसिलेशन में। अभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं गाइस, अभी इंटरेस्ट वाला गेम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करने का, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ये दो डेट्स को देखने का, ओके। अभी मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर देना रहेगा, जरा ध्यान से, डोंट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। चलो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है आपका, ये आपका 1 जैन है, तो लास्ट इंटरेस्ट कब दिया गया है, या तो 31 मार्च या तो 30th September, तो नियरेस्ट है 30th September, तो बता दीजिए इंटरेस्ट कब से कितना कैलकुलेट होगा मंथ्स का,
कितना इंटरेस्ट अभी तक अक्रू हो गया रहेगा? तो सर सितंबर से गिनूंगा, तो सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर जैन नहीं आएगा, फर्स्ट जैन है ना, 3 महीने का। चलो बराबर, चैट बॉक्स में भेजते जाइए वापस। अगर मैं अगर ये बात करता हूँ ये वाला फर्स्ट मार्च, तो सर 5 महीना आ जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको 30 सितंबर से गिनने का है, तो 5 महीना आ जाएगा। यस सर, या तो देर विल बी अ 5 मंथ्स, देन 31 मार्च को बोलो तो कितना महीना आ जाएगा? 6 महीना आ जाएगा, बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में पे हुआ। अभी डेट यहाँ से गिना जाएगा, अभी डेट यहाँ से गिना जाएगा, बिकॉज अभी यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो गया है, तो अभी डेट यहाँ से गिना जाएगा 30 मार्च से। ओके, तो नाउ इफ आई कैलकुलेट गाइस, तो आफ्टर 6 मंथ्स हाउ मेनी मंथ्स? फर्स्ट सितंबर एफ आई से, दैट इज गोना बी हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स करके, देन 30 सितंबर, तो अगेन 6 मंथ्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और लास्ट वाला अगर आप दिसंबर देखोगे, अभी वापस अभी यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो गया ना, तो आपको यहाँ से गिनना रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सितंबर के बाद दिसंबर अगर गिनोगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे 3 मंथ्स आ जाएंगे। तो आई होप नाउ दिस कॉलम्स आर क्लियर एज टू हाउ टू राइट दिस कॉलम्स करके। वंस दिस इज डन, ये एक बार होगा ना, फिर इंटरेस्ट बहुत ईजी है। अब इतना होने के बाद अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ, तो चलो मेरे को बीच बीच में कुछ इंटरेस्ट निकाल के दीजिए, तो आई विल कम टू नो दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। वॉट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट वाला इंटरेस्ट 1,50,000 इंटू 5%, लेकिन इंटू 5% करने के बाद कितना महीना? 3/12, तो ज़रा निकाल दीजिए। 1,50,000 इंटू 5% इंटू 3/12, दैट इज़ गना बी, या अच्छा मेरे को अभी ये वाला इंटरेस्ट बता दीजिए। अगर ये बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि समझ में आ गया यहाँ का, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला बता दो, तो आई विल अंडरस्टैंड कि यू हैव गॉट द पॉइंट। समथिंग विच इज़ हाँ 417, एग्जैक्टली दैट इज़ गना बी 417। तो ये तुमको समझ में आ गया, तुमको करना क्या है, ये वाली वैल्यू लेनी है, इंटू 5% कर देना है, फिर इंटू 5/12 कर देना है। तो आई होप दिस इंटरेस्ट वाला कॉलम, सो दीज ऑल कॉलम्स आर क्लियर। यस सर, स्टॉप, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे ये टेबल बनाने वाला, नहीं तो बहुत लोग टाइम लाइन बनाते ना तो तुम पागल हो जाओगे उसके अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, एक बार समझ में आ गया तो। अब हम कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है वो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो गाइज यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया है? कम इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया है? एक्स इंटरेस्ट। चलो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इतनी है, एक एक शेयर की फेस वैल्यू नॉर्मली 100 ही होती है। तो आपका अगर आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वैल्यू दी गई है सीधा, आपको एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू ही दे दी गई है। देखो टोटल वैल्यू दी दी गई है, टोटल वैल्यू। वहाँ पे कैसा था पहले वाले क्वेश्चन में, पर शेयर था तो वो इंटू करना पड़ा था डायरेक्टली। दिस टोटल वैल्यू इज देयर गाइस विथ यू, दैट इज 24725, ये एक्स इंटरेस्ट है। तो चलो मैं एक्स इंटरेस्ट में लिख देता हूँ, देखो ये मैंने एक्स इंटरेस्ट में लिख दी 1 मार्च को। फिर और एक परचेस कैंसिलेशन कब हुआ है? 9 को, तब कौन सी वाली वैल्यू है वो? कम इंटरेस्ट है 20125, तो 20125 इधर आ जाएगी। मुझे बता दीजिए जब भी कोई भी कम इंटरेस्ट वैल्यू आती है तो अभी मुझे एक्स में कन्वर्ट करनी है। मैंने इतना ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया है जिसमें इंटरेस्ट इतना है, तो 2 - 1, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? चैट बॉक्स में आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। 20125 ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है जिसमें से 417 का इंटरेस्ट रहेगा, तो या दैट इज गना बी दिस वैल्यू। तो आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, ये इसको फेस वैल्यू के साथ, ये जब परचेस एंड कैंसिलेशन हुआ है तब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो सर 25,000 का डिबेंचर खरीदा, सर 25,000 के अगेंस्ट पेमेंट 24,000 का समथिंग ही हुआ है, तो 25,000 माइनस ये कर दीजिएगा, तो 25,000 माइनस 24725, यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ दिस, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू माइनस 3 करना है, फेस वैल्यू माइनस दिस 3 वाला कॉलम। अगेन 20,000 का डिबेंचर खरीदा और 19,000 का ही पेमेंट किया, तो 292 करके। इज इट क्लियर? कैन यू से यस? तो आई कैन प्रोसीड अहेड। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, या दैट इज क्लियर। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग इन द क्वेश्चन, व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग फॉर डिबेंचर एंड ओन डिबेंचर। तो देखो एंट्रीज, हालांकि एंट्रीज, हाँ दो एंट्रीज आएंगी आपकी परचेस एंड कैंसिलेशंस की, अच्छा, और दूसरी आपकी इंटरेस्ट वगैरह की एंट्रीज आएगी। देखो मैं क्या बोलता हूँ, अभी इंटरेस्ट की एंट्री पास करना जरूरी है क्या? नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरेस्ट की एंट्री बताई थी। क्यों क्यों बताई थी आप ये भी समझो। अभी मैं इंटरेस्ट की एंट्री बताऊंगा नहीं, आपको खाली यही एंट्री पास करनी है। देखो इंटरेस्ट अकाउंट बोला है क्या क्वेश्चन के अंदर? पहले डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बोला गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में खाली क्या बोला है? यही अकाउंट बोला है। रुको किधर गया? तो इंटरेस्ट की एंट्री क्यों पास करने का भाई? दो ही अकाउंट बोला है, एक तो डिबेंचर और ये वाला। चलो अभी इंटरेस्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट क्या आती है? आप नॉर्मली एंट्री तो यही रहती है, बट हम यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखेंगे, ये बैंक से पहले हम लोग उसका क्रिएशन करेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो एक असेट क्रिएट हुआ करके। तो देखते हैं, चलो मैं क्या बोलता हूँ, आपने इतने का डिबेंचर खरीदा, ये डिबेंचर की वैल्यू है, ओके, और ये इंटरेस्ट की वैल्यू है,
और ये दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू आपने इतनी दी, ऐसा होता है। बट पहले आपने इतने का क्या खरीदा, आपने इतने का डिबेंचर खरीदा, तो डिबेंचर खरीदा तो एंट्री क्या आती है, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, दैट इज ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। या नाउ ये एंट्रीज होने के बाद, ये एंट्रीज होने के बाद तो मेरी ये वाली एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री हो गई। सर इसके बाद इंटरेस्ट की भी एंट्री करो, मैं बोलूंगा इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, बिकॉज इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट टू बैंक। मैं क्या बोलता हूँ, क्या आपको बैंक अकाउंट बनाने बोला है, नहीं। क्या आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाने बोला है, नहीं। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्यों करने का, अगर लिखा होता ना कि इंटरेस्ट अकाउंट बना दो तो मैं एंट्री करता। इज इट क्लियर, कैन यू टाइप यस, यस, सो दैट इज क्लियर करके, दैट इज क्लियर करके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो आई कैन से दैट ये वाली चीजें तो क्लियर है। अभी मैं क्या बोलूंगा, मैंने डिबेंचर कितने का खरीदा, मैंने डिबेंचर 25 और 20 का खरीदा, तो डिबेंचर 25 और 20 का खरीदा और इसके अगेंस्ट ये खरीदा, इसके अगेंस्ट ये असेट कैंसिल हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर विल बी और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वैसे अगर आप देखोगे तो ये दोनों को आपको कॉपी कर देना है इधर वैसा। क्या ये भी एंट्रीज क्लियर है, कैन आई सी दैट, हेलो, यस, जस्ट यू नीड टू टाइप वाई, ओके, दैट इज क्लियर। अब अगर मैं बोलता हूँ उन्होंने दो अकाउंट बनाने बोला तो कितना ईजी है ना यार, अभी ये तो यार तुमको समझ में आ जाएगा यार, अगर इतना नहीं आएगा तो क्या होएगा। चलो पहले अकाउंट बोला है डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर अकाउंट बना दीजिए, और ओन डिबेंचर अकाउंट बोला तो ओन डिबेंचर अकाउंट बना दीजिए। पहले डिबेंचर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए 150,000 का, देखो इधर लिख लिया 150,000। 150,000 लिखने के बाद दो एंट्रीज आएगी, तो उसके डेबिट में टू बैंक, देखो ओन डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे आपका, सॉरी पहले डिबेंचर अकाउंट ना, सॉरी एक सेकंड, पहले आप डिबेंचर अकाउंट की बात कर रहे हो, तो पहले आपने डिबेंचर अकाउंट लिख दिया 150,000 बैलेंस, और डिबेंचर अकाउंट लिखने के बाद गाइस, डिबेंचर अकाउंट लिखने के बाद आई कैन से दैट उसके डेबिट में ये दो ट्रांसफर कर दो। देखो ये डिबेंचर के डेबिट में पहले ये दो, फिर ये दो, डेट देखो ये दोनों रहेगी, तो ये दोनों डेट लिख दो और डेबिट में POC to own debenture, देखो, और ये हो गया, और लास्ट में आपको क्लोजिंग 1/5 का दिखेगा, जो इधर भी दिखेगा 1/5 का, यू कैन मैच दैट 1/5। अच्छा अभी ओन डिबेंचर अकाउंट बना दीजिए, इसमें देखो ऐसा रहेगा, फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट, इट इज लाइक डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने कभी बनाया हो तो इट इज लाइक दैट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप ऐसे बता दोगे। सबसे पहला कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, देखो तो सबसे पहले आपने खरीदा है, देखो यहाँ पे ये वाला, ये ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर के डेबिट में जाके टू बैंक कर दीजिएगा, ओन डिबेंचर के डेबिट में जाके देखो टू बैंक, कितना कितना लिखना है, 2475190, ये 2475, ये अमाउंट लिख दो। लेकिन सर उसकी फेस वैल्यू भी बतानी होती है, तो फेस वैल्यू 25 है और 20 है, आप देख सकते हो उसकी फेस वैल्यू 25 है और उसकी फेस वैल्यू 20 है करके, और इंटरेस्ट कितना है दोनों का, 525417, देखो ये 525417, इंटरेस्ट एंड फेस वैल्यू, इट इज़ लाइक आपको ये बताना है, देखो ये आपको ये पहले ये बता देना है 25,000 फेस वैल्यू, उसके ऊपर इंटरेस्ट ये, और ये आपने इतने में खरीदा, देखो 25,000, 521,4275, देन आपने ये खरीदा करके, एंड बाद में ये एंट्री, देन ओन डिबेंचर के क्रेडिट में अभी जाके पोस्टिंग करनी है, देखो बाय 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, यू कैन राइट दैट 25,000 और ये 20,000, यहाँ पे 25,000 और ये 20,000 आपका, देखो ये फेस वैल्यू लिख दी, और देखो आपको अगर मैं बता दूँ, देन व्हाट यू डिड इज गाइज, ये ओन डिबेंचर के क्रेडिट में जाके आपने ये वैल्यू लिख दी और उसकी फेस वैल्यू लिख दी, अगेन वो वैल्यू उसकी फेस वैल्यू लिख दी, और एट दी एंड यू जस्ट क्लोज दिस अकाउंट, यू गाना गेट द प्रॉफिट एंड लॉस करके, ये आपने कैंसिलेशन किए तो यहाँ पे कैंसिलेशन सेट ऑफ कर दिए, और एट दी एंड ये आपको क्या हो गया है, ओन डिबेंचर का ये इंटरेस्ट, ये जो PNL में चला जाएगा आपका करके, ये देखो यहाँ से वो PNL अकाउंट का आपका ये इंटरेस्ट इधर ही बुक हो गया ओन डिबेंचर में। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, कैसे पोस्टिंग हुआ करके, हेलो, या तो आई कैन सी दिस क्वेश्चन इज डन, एक बार देख लीजिएगा। तो हमने दोनों, देखो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ओन डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन के अंदर हमने अभी तक ये देखा कि हम ओन डिबेंचर्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं एंड कैंसिल करते हैं, उसमें भी दोनों वे सीखा, एक तो विदाउट ओन डिबेंचर अकाउंट, एक विद ओन डिबेंचर अकाउंट करके, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर ऐसा घर बनाया गया ना, वो है आपका टेस्ट योर नॉलेज, वो है आपका टेस्ट योर नॉलेज। ओके गाइस, तो अभी दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका टेस्ट योर नॉलेज का है। ओके, जनरली इसको 49 मिनट्स लगता है रेगुलर लेक्चर में, बट या वी गना डू इट इन अ फास्टर वे, तो देखते हैं कि क्या क्या है करके। क्वेश्चन नंबर 4, ये घर जैसा बना है, मतलब ये सोल्यूशन आपका टेस्ट योर नॉलेज का है, ये क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का, टेस्ट मतलब घर पर टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट रखता है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, किधर है क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4,
लेट्स रीड द क्वेश्चन. कुछ डाउट्स वगैरह तो वी विल सी टू इट. यू नीड टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स. और जो लोग देख रहे हैं अगर लाइव वगैरह तो दे कैन कमेंट अकॉर्डिंगली. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम आगे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4. चलो पढ़ना शुरू करते हैं क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर. सर इट इज़ अनलिस्टेड कंपनी. बताइए सर चैट बॉक्स में क्या क्या बन सकता है अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो. यस दोनों डी आर आर भी बनेगा डी आर आर आई भी बनेगा बिकॉज इट इज अनलिस्टेड कंपनी करके. यस सर आगे बढ़ते हैं. ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है. अदर देन ये वगैरह दिया है बट आपको एग्जाम के लिए खाली लिस्टेड या अनलिस्टेड बस इतना ही देखना है. हैड 16,000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच आउटस्टैंडिंग. अच्छा क्वेश्चन में मैं एक चीज़ पढ़ लेता हूँ क्या क्या पूछा है. डिबेंचर अकाउंट पूछा है, रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी पूछा है. अरे वाह, मतलब इस बार अपने को बनाने का है रिजर्व वगैरह. अच्छा आपको क्या याद है मैंने कितना बोला था रिजर्व कितना परसेंट बनता है और इन्वेस्टमेंट वाला कितना बनता है. रिजर्व कितना परसेंट होता है और ये कितना होता है. हाँ तो दिस इज 10% एंड दिस इज 15% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू करके याद रखना. 10% एंड 15% ऑफ फेस वैल्यू. ओके तो अगर मेरे पास जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स होते हैं अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे तो चलो पहले वाला देख लीजिए. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हियर इट इज 10% ऑफ डिबेंचर्स ये 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स करके डी आर आर आई. और बिकॉज ये कौन सी कंपनी है बिकॉज ये आपकी अनलिस्टेड कंपनी ये दोनों चीज़ें बनेंगी करके. ठीक है चलो तो सोल्यूशन वाले पार्ट पे भी आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. यप क्वेश्चन नंबर 4. तो अगर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं. चलो कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास. 16,000 डिबेंचर्स है गाइस. 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट करके एंड रिडीमेबल एट दिस डेट. ओके चलो देखते हैं. अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 16,000 डिबेंचर है अगर 100 के हिसाब से. तो सबसे पहले निकालो डिबेंचर्स है कितने. 16,00,000 के डिबेंचर्स है आउटस्टैंडिंग दैट इज 16,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच. तो डी आर आर देखो यहाँ पे पहले वही बना दो बिकॉज क्वेश्चन में इस बार बनेगा. क्यों बनेगा सर अनलिस्टेड कंपनी और क्वेश्चन में पूछा ही अकाउंट तो पूछा तो पहले इसी का वर्किंग बना दो करके. ओके तो सबसे पहले यही वर्किंग आ जाएगा डी आर आर और डी आर आर आई का. पहले आप देखोगे बैलेंस रिक्वायर्ड कितना. तो आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं. 16,00,000 के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है तो 16,00,000 के ऊपर 10% निकाल दोगे तो 1,60,000 हो जाएगा. और यहाँ पे 16,00,000 का अगर आप 15% निकालोगे तो गाइस 2,40,000 हो जाएगा. हाँ सर आगे बढ़िए. सर अगर हम इसकी बात करते हैं इसके बाद देखते हैं ऑन 1st अप्रैल. 1st अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है. देखो 1st अप्रैल इज अ ओपनिंग बैलेंस. तो 1st अप्रैल को कितना बैलेंस क्रिएटेड है. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो देखते हैं. 2,000 हमने बॉन्ड्स में लगा रखे 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ रुपीज 100 इच. तो ये इन्वेस्टमेंट है. इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. 2,000 डिबेंचर्स खरीदा ये बॉन्ड्स खरीद रखे 100 रुपये के हिसाब से. कहने ऐसे इन्वेस्टमेंट 2,00,000 का करके रखा है ऑलरेडी करके. तो 2,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको समझ में आना चाहिए. इन्वेस्टमेंट 2,40,000 का करना चाहिए ऑलरेडी 2,00,000 का करके रखा है तो और कितने का क्रिएट करने की ज़रूरत है. टोटल 2,40,000 का करना चाहिए था उसमें से 2,00,000 का ऑलरेडी कर रखा है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बैलेंस विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड इज 40,000. आई होप दैट इज क्लियर. यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज़ क्लियर. यस चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर मैं डी आर आर की बात करता हूँ तो ऑलरेडी 1,00,000 का बैलेंस ऑन डी आर आर इज 1,00,000 ये लिख दिया है. तो डी आर आर इज 1,00,000 करके अगर डी आर आर 1,00,000 है तो ऑलरेडी 1,00,000 का क्रिएटेड है. मुझे 1,60,000 का बैलेंस होना चाहिए. अगर 1,00,000 का क्रिएटेड है तो आई नीड टू क्रिएट 60,000. तो सबसे पहले ये एंट्री आएगी डी आर आर की क्रिएशन की और डी आर आर आई क्रिएशन की मतलब ये वाली एंट्रीज आएगी. ये वाली अभी तक क्यों नहीं की सर क्वेश्चंस पे बिकॉज क्वेश्चन में वो अकाउंट नहीं पूछा था लेकिन अभी पूछा है. यहाँ पे लिखता हूँ देखो नोट भी लिखा गया है. क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू प्रिपेयर डी आर आर एंड डी आर आर आई अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 1 इज प्रिपेयर्ड दैट इज वाई इट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है. वापस अपना परचेस एंड कैंसिलेशन वाला टेबल बनेगा क्या है और क्या नहीं इतना मुझे पता है. 1st अप्रैल को मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस है 16,00,000 रुपये का. अभी परचेस एंड कैंसिलेशन कितने किए हैं देख लेते हैं. यहाँ पे 2,000 ओन डिबेंचर्स परचेस्ड एज ऑन 31st मार्च एट अ एवरेज प्राइस ऑफ रुपीज 90. देन वापस कब खरीदे देखो ईयर कब खत्म स्टार्ट होता है. 1st अप्रैल X1 को चालू होता है 31st मार्च X2 को ख़त्म होता है. दिस इज द ईयर और ये कब खरीदे मैंने 31st मार्च X2 मतलब एंड में खरीदे हैं. और आगे लिखा है ऑन 30th मार्च द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज. इन्वेस्टमेंट वगैरह बेची गई है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड करके. अच्छा वर्ड क्या है रिडीम्ड. रिडीम्ड का मतलब समझता है कि अपना रिडम्पशन हुआ है यहाँ पे. चलो सबसे पहले परचेस एंड कैंसिलेशन की बात करते हैं. सबसे पहले परचेस एंड कैंसिलेशन अपने 2,000 डिबेंचर क्या कर दिए परचेस और कैंसिल कर दिए. तो देखो यहाँ पे
ये परचेस एंड कैंसिलेशन के लिए वर्किंग नोट बनता है। तो आपने कितने परचेस और कैंसिल कर दिए? 31 मार्च को आपने 2000 डिबेंचर परचेस और कैंसिल कर दिए। एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो दैट इज गन अभी आपने 2 लाख के डिबेंचर परचेस और कैंसिल कर दिए 31 मार्च को। और इंटरेस्ट डेट क्या है, कुछ बीच में वगैरह है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज रिसीव्ड ईयरली, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो। पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट का डेट कहीं पे मिलता है कि नहीं मिलता है। इफ़ यू रीड द क्वेश्चन यू विल कम टू नो दैट द डेट ऑफ द इंटरेस्ट इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन एज टू इंटरेस्ट कब दिया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा प्लीज़ याद रख लेना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कहीं पे कभी नहीं दिखा तो इंटरेस्ट, देखो बोला रहेगा तो साल के बीच में भी देने का और एंड में भी देने का, कुछ नहीं बोला मतलब साल के एंड में ही दिया जाता है। तो साल के एंड में मतलब इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? 31 मार्च को गाइस, 31 मार्च X2 को, ईयर एंड है अपना वो रिडीमेबल एट दिस करके। तो देखो आपको ये समझ में आता है कि मैंने 31 को पहले 2 लाख के परचेस एंड कैंसिल किए और बाद में यहाँ पे बचेंगे कितने डिबेंचर्स? 14 लाख के बच जाएंगे। क्या बता दीजिए, इतना क्लियर है? कोई डाउट है क्या? जरा एक बार मैं वापस से तो बता देता हूँ। ये फर्स्ट का डेट है, आपने 31 मार्च को परचेज किया है एंड कैंसिल किया है 2 लाख का डिबेंचर, तो यहाँ पे ये फिर बचेगा कितना? 14 लाख का डिबेंचर करके। और इंटरेस्ट का डेट क्वेश्चन में पूरे नहीं दिया था तो आप ईयर एंड पे ही मानोगे, तो ईयर एंड पे मानोगे तो 1 अप्रैल है ये, तो इंटरेस्ट पे हो चुका है तो इधर नील आ जाएगा। और ये 31 मार्च है मतलब ये पूरा 12 महीने का तभी पे होगा, तो ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना। इस हिसाब से आप इंटरेस्ट तो आराम से निकाल लोगे, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 लाख इंटू 12% इंटू 12/12। चलो मैं आपको पूछता हूँ, आप एक बस इंटरेस्ट निकाल दो ये वाला तो भी ठीक है, ये वाला एक बार निकाल दीजिए कितना आ जाएगा। तो आई विल कम टू नो, हाउ यू हैव गॉट दिस 24,000 एंड 1,68,000 एग्जैक्टली, तो दैट इज क्लियर करके, तो ये भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं परचेस एंड कैंसिलेशन जब हुआ है, ये वाला परचेस कैंसिलेशन, तो कौन सी प्राइस दी गई है? तो 2000 डिबेंचर्स और परचेस एंड कैंसिलेटर एवरेज प्राइस ऑफ 99 एंड ऑन द सेम डेट करके, तो आपको सीधा एक प्राइस दे दी गई है 99 करके। नथिंग इज स्पेसिफाइड इन दिस केस, तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दैट इज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट, दैट इज समथिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड। नथिंग वॉज रिटन एट एन एवरेज प्राइस, तो ये किसका रहेगा? डिबेंचर का ही रहेगा खाली। अगर वो इंक्लूडिंग होता तो दे वुड हैव स्पेसिफाइड दैट इट इज़ अ कम इंटरेस्ट। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है आपको कुछ पॉइंटर्स में, कि आपकी अगर प्राइस में कुछ नहीं बोला तो दैट इज अ एक्स इंटरेस्ट, खाली वो डिबेंचर का ही है, खाली वो डिबेंचर के लिए बोला गया। ओके तो दैट इज हाउ मच करके 99 ऑन द सेम डेट एंड कैंसल्ड करके। तो देखो यहाँ पे 2000 इंटू 99 कर दिया तो ये 1,98,000 आ गया। अब 2 लाख का डिबेंचर है, आपने 1,98,000 में परचेस और कैंसिल किया है, तो सस्ते में आपने खरीद लिया 2000 का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन करके, ठीक है। मुझे बता दीजिए ये जो 14,000 डिबेंचर है ये आउटस्टैंडिंग है या ये भी बाद में रिडीम्ड हो ही रहा है करके, ये भी बाद में रिडीम्ड हो ही रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ऑन 30 सितंबर द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी एंड द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। मतलब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि 16 लाख के डिबेंचर्स में से 2 लाख के डिबेंचर्स आपने क्या कर दिए, 16 लाख के डिबेंचर्स में से अगर आपने 2 लाख के डिबेंचर खरीद लिए तो 14,000 के कैरी डाउन होने वाले हैं या ये रिडीम होने वाले हैं, आप बता सकते हो? 14,000 के रिडीम्ड होने वाले, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिखा गया है दिस आर रिडीमेबल, और ये सारे डिबेंचर्स रिडीमेबल कब थे? 31 मार्च को, और यहाँ पे लिखा भी गया है दीज आर रिडीम्ड करके, तो ये रिडीम भी किए गए। तो एक रिडम मतलब दो एंट्रीज आने वाली है, एक परचेस और कैंसिलेशन की भी। मैंने क्या बोला था, रिडम्पशन दो तरीके से हो सकता है, एक आप मार्केट में जाओ तो परचेस एंड कैंसिलेशन खुद करो, इसमें भी दो है वो, एक तो दो एंट्री या तो तीन एंट्री, अगर आप ओन डिबेंचर अकाउंट बनाते तो एंट्री तीन हो जाती है, और एक होता है कि डिबेंचर होल्डर को पैसा दो, तभी आपकी तीन एंट्रीज होती है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ वन पेज समर, यहाँ पे रिडम्पशन दो तरीके से होगा, एक तो पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर एंड परचेस एंड कैंसिलेशन, दैट इज ओन डिबेंचर को खरीदना। पेमेंट, ये पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर मतलब रिडम्पशन की बात हो रही है, तो ये तीन इंटरेस्ट आ जाएंगे। चलो देखते हैं अभी इसकी तीन इंटरेस्ट कैसे आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। देखो पहली बात मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको पहले तरीके को क्या क्रिएट करना होता है, अभी वो जो पहले वाला पेज का सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप DRR और DRRI क्रिएट करोगे पहले तारीख को, तो कितना क्रिएट करोगे? 60,000 और 1,40,000, इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? 60,000 का क्रिएट करोगे तो देखो आप PNL में से पैसा निकाल लोगे और DRR में उसको रिजर्व में फिक्स कर दोगे 60,000। फिर आप इन्वेस्टमेंट कितनी की करोगे? 40,000 की और करनी बाकी है तो वो कर दोगे, तो 40,000 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके।
आई होप अगेन दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल. अच्छा अब ये डिबेंचर के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी तो मिलता है सर, ये इन्वेस्टमेंट किया है तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. फिर इंटरेस्ट किस में जाता है, पीएनएल में जाता है. लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, बिकॉज इनके लेजर्स नहीं पूछे गए हैं, इनके लेजर्स नहीं पूछे गए हैं, तो आप ये क्यों करोगे, इनके लेजर्स ही नहीं पूछे गए हैं. अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको तीन ही चीज़ें पूछी गई है, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिजर्व और डिबेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट. तो ये बैंक अकाउंट भी नहीं पूछा गया तो ये कैंसल, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंट पर नहीं पूछा गया और पी एन एल अकाउंट पर नहीं पूछा गया, तो ये इसलिए इंटरेस्ट ही नहीं आएंगे करके, अदरवाइज ये भी आती थी इसके बाद. अभी ईयर के एंड में क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, दो चीज हो रही है, रिडम्पशन हो रहा है. पर रिडम्पशन से पहले क्या सारा रिडम्पशन हो रहा है क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने सारे डिबेंचर रिडीम्ड हो रहे हैं. हाँ तो ये सारा वैल्यू देखो जो 240,000 का क्रिएट किया गया था ये पूरा रिवर्सल हो जाएगा, बिकॉज आप सारे इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, आपको रिडम्पशन करना है वगैरह सब कुछ खत्म हो रहा है. तो अगर रिडम्पशन कर दोगे तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 मत करना, मैंने जानबूझ के लिख के कैंसिल किया है इसलिए कि लिखना मत 40,000, ये तो आपने क्रिएट किया सर. डिबेंचर तो पूरे खत्म हो रहे तो सारी इन्वेस्टमेंट बेच दोगे ना. अब अगर शादी है तो लास्ट का 1 ईयर का 1,00,000 रुपया बेचो, बैंक से निकालोगे आप पूरा 5 लाख का 5 साल का इन्वेस्टमेंट पूरा एक साथ बेच दोगे ना, बिकॉज अभी वो शादी होने वाली है तो डिबेंचर को रिडीम करने का है तो सारा रिडीम कर दीजिए ना. तो 240,000 का इन्वेस्टमेंट था बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस, कुछ भी नहीं बोला तो एट पार या तो क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा तो ठीक है कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार, अगर वो बोला तो ठीक, और कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा पार पे ही बेचने का भाई, प्रॉफिट लॉस नहीं बोला वो लोग ने कुछ तो पार पे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI इन्वेस्टमेंट बेच दिया. और ये आपका जो रिजर्व था ना देखो यहाँ पे क्रिएट किया गया था टोटल 1,60,000, ये ऑलरेडी क्रिएटेड था, आपने 60,000 का क्रिएट किया तो DRR कितना टोटल हो गया रहेगा अभी 1,60,000, पहले 1 लाख का क्रिएटेड था आपने अभी 60,000 का किया, इसको रिवर्स कर दो रिजर्व पीएनएल फ्री रिजर्व कर दो इसको. तो आई होप ये एंट्री और ये एंट्री दोनों क्लियर है. अभी हम रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, क्या अभी तक पक्का क्लियर है जितना भी हुआ, हेलो यस क्या नहीं से अभी अभी मुझे डिबेंचर कितने रिडीम करने गाइज, मुझे डिबेंचर 16 लाख के रिडीम करने, कितने रिडीम करने 16 लाख रुपये के डिबेंचर रिडीम करने. एक्चुअली 16 लाख में से 2 लाख के परचेस एंड कैंसिलेशन है और 14 लाख की रिडीम करने करके, तो इसकी दो दो अलग एंट्री होगी. देखो 16 लाख के डिबेंचर्स हैं जिसमें से 2 लाख के परचेस और कैंसिल हो रहे हैं और 14 लाख के ये पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर करके, तो ये एंट्रीज आ जाएगी. सबसे पहला परचेस और कैंसिल होते हैं तो इसकी एंट्री क्या आती है, हमने अभी अभी देखा है, आपने 2 लाख के डिबेंचर खरीदे, देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 2 लाख के डिबेंचर खरीदे, अगर आपको दिखेगा तो यह परचेस 2 लाख का डिबेंचर्स, आपने खाली 1,98,000 दिया टू बैंक में तो बचा हुआ 2,000 का आपका प्रॉफिट, तो 2 लाख के डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर्स आ गए, आपने 1,98,000 दिया तो 2,000 का प्रॉफिट आ गया. बाद में इसके अंदर इंटरेस्ट भी है क्या, हाँ आपने 24,000 का इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट ये एंट्री आ जाएगी. ये एंट्री नहीं भी पास करोगे तो चलेगा, मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया बिकॉज आपको लेजर पूछा ही नहीं गया है इंटरेस्ट वाला, बट मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट की भी एंट्री होगी अगर अगर वो होता तो लेजर, बट मैंने एंट्री पास करके बता दिया भाई होती है बट अपने को करनी नहीं है, नहीं करनी है ये, इसलिए मैंने ऐसा देखो हाईलाइट भी किया उसको, नॉट आस्क्ड लेजर इज नॉट आस्क्ड. तो इंटरेस्ट टू बैंक आपने 24,000, अब आपने ये 14,000 को रिडीम किया मतलब डिबेंचर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा तो दे देते हैं 14 लाख रुपया. देखो डिबेंचर होल्डर 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर को 14 लाख रुपया देना है, दे दीजिए. कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बोला है तो वो भी रिकॉर्ड होता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बोला है तो वो भी रिकॉर्ड होता. अभी जितना भी आपने इंटरेस्ट पास किया ना सर, इसका पोस्टिंग करने का तो अकाउंट बनाने का, कौन सा अकाउंट बनाने का, 3 अकाउंट 1, 2, 3 5-5 लाइन का बना दीजिए. देखो 5-5 लाइन के 3 अकाउंट्स बन गए. अभी पोस्टिंग, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दो, डिबेंचर का बैलेंस 16 लाख का है आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखो डिबेंचर का बैलेंस 16 लाख रुपये का है वो इधर से दिख जाएगा. अच्छा सर DRR का बैलेंस कितना है, 1,60,000 और ये 2,40,000, देखो 1,60,000 और 2,40,000, अरे 1,60,000 नहीं सॉरी 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 ये तो अपने को रिक्वायर्ड है. बैलेंस कितना है ओपनिंग, 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख ये बैलेंस आपका, देखो 1 लाख और 2 लाख, 2,40,000 1 सेकेंड. अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है, असेट है ना, तो डेबिट में देखो 2 लाख दिखेगा बिकॉज दैट इज असेट, तो दैट इज रिजर्व इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज असेट, तो 2 लाख का बैलेंस उधर दिख जाएगा. अभी आपने क्रिएट कितना किया है, आपने देखो क्रिएट कितना किया, अभी ये एंट्री DRR क्रिएट किया है 60,000, तो PNL DRR के क्रिएट में जाके बाई PNL लिख दीजिए 60,000, उसके बाद DRR के डेबिट में जाके टू बैंक लिख दीजिए, DRR के डेबिट में जाके टू बैंक लिख दीजिए, देखो ये अपने टू बैंक लिख दिया यहाँ पे. उसके बाद आपने कंट्री एंट्री करनी है तो इसका तो लेजर नहीं पूछा गया. फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी
तो DRR के क्रेडिट में जाके बाय बैंक लिख दीजिए 2,40,000। देखो बाय बैंक लिख दिया 2,40,000 करके। बाद में DRR के डेबिट में जाके टू जनरल रिजर्व लिख दीजिए, आपने टू जनरल रिजर्व लिख दिया, ये दोनों अकाउंट क्लोज हो गए कि क्रिएट किया था उसको सेल ऑफ कर दिया। अब अगर मैं डिबेंचर अकाउंट की बात करूँ तो डिबेंचर अकाउंट देखो, डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दीजिए क्या क्या, ये दो चीज़ें लिख दीजिए, POC एंड टू बैंक टू POC, मतलब 98,000, और ये, और इसके डेबिट में रखे क्या लिख दिया, टू डिबेंचर होल्डर करके। यहाँ पे ये प्रिंटिंग नहीं हुआ है, टू डिबेंचर होल्डर करके, इवन इट विल टैली 16 लाख रुपया करके, और ये अपना हो जाता है। क्या ये एकदम अच्छे से क्लियर है कि ये कैसे हुआ करके? हेलो, यस, फेयर इनफ। तो एक बार एंट्रीज आ गई ना, फिर आगे का एकदम सीन ईजी है। चलो अभी वापस एक रिपीटेशन जैसा होगा, परचेस और कैंसलेशन, बट फटाफट खत्म ही कर लेते चीजों को। ओके ओके गाइज, लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस स्टार्ट विद टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3। तो यू कैन सी दिस ओवर हियर, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल एक एमके लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड, जैसे ही अनलिस्टेड बोला तो आपको समझ में आना चाहिए DRR भी आएगा, DRR भी आएगा। ये 10% होता है और ये 15% होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उसका 9% डिबेंचर्स है उसके पास, ओपनिंग बैलेंस उसका दिया हुआ है गाइज। अभी मैं थोड़ा अपन स्पीड में जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50,000 डिवाइडेड इंटू 50, ये 50 लाख का उसका डिबेंचर है, उसके अंदर 50,000 शेयर से डिवाइड ऐसे किया गया और 100 रुपये के है करके, इशूड एट पार करके, ठीक है। आगे जैसे ये पता चलता है सबसे पहले कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50 लाख का है, और ये अनलिस्टेड कंपनी है, पहले चेक करो ये दोनों अकाउंट बनाने बोला है कि नहीं बनाने बोला है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, जितने बन सकते बना दो, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट। देखो नेसेसरी का मतलब क्या होगा, एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को छोड़ के जितने अकाउंट्स तुम बना सकते हो बना दो करके हमने बोला, ठीक है। तो मतलब DRR भी बनेगा, ये तो नेसेसरी है ही, तो बना दीजिए। तो ये 50 लाख का 10% निकालो और 50 लाख का 15% निकालो। तो देखो 50 लाख का यहाँ पे, अगर 50 लाख के डिबेंचर है तो 50 लाख का 10%, 50 लाख का 15% इतना आ जाता है, 5 लाख और 7,50,000। ऑलरेडी कितना बैलेंस लोगों ने बना के रखा है देख लो। अगर मैं आपको बता दूँ तो कुछ लिखा गया है क्या, आगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया गया और कुछ परचेज कैंसिलेशन, तो कुछ नहीं बोला, मतलब देर इज नो ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये सारा ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आता है ये सारा क्रिएट करना पड़ेगा करके, हमेशा वर्किंग नोट नंबर यही आएगी DRR DRR I, लेकिन ये तभी आएगी अगर वो अकाउंट बनाने बोला होगा तो ही ये बनाने का वर्किंग नोट। ओके, तो यहाँ पे बोला गया नेसेसरी अकाउंट, मतलब ये भी बनने वाला है। अभी क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन दिया गया वर्किंग नोट नंबर 2 परचेस एंड कैंसिलेशन का, तो वो हमेशा वर्किंग नोट नंबर 2 वही होता है अपना। इतने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले DRR वाला वर्किंग नोट और I वाला क्रिएशन वाला, अगर अकाउंट बोला है तो ये बनाने का, उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट अगर परचेस और कैंसिलेशन है तो उसका वाला। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दीजिएगा, कितना है, 50 लाख का है। देखो तो 50 लाख का आपका ओपनिंग बैलेंस है, कब है, 1 अप्रैल को, यू कैन सी दैट 1 अप्रैल को, ठीक है। नाउ दैट इज द 1 अप्रैल डेट विच यू कैन सी दैट। ओके, अभी आपको क्या दिखेगा सर, इंटरेस्ट दिखेगा, 2 दिन पे होता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे होता है। देखो 30 सितंबर और 31 मार्च, 2 दिन आपका इंटरेस्ट पे होता है और एक ही ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 30 मई को आपने 8,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 98 रुपीज़ के हिसाब से, ये डिबेंचर्स ही दिए गए और ये एक्स इंटरेस्ट है करके, एंड इट इज़ कैंसल्ड करके। तो चलो सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस के बाद ये डेट के बाद पहले इंटरेस्ट आएगा या पहले ये ट्रांजेक्शन आएगा करके, तो पहले ये ट्रांजेक्शन आएगा बिकॉज ये मई का महीना है, मई के बाद फिर सितंबर आएगा, सितंबर के बाद मार्च आएगा करके। तो देखो आपका मई और ये मई आ जाएगा, मई के बाद सितंबर और सितंबर के बाद मार्च आ जाएगा जो इंटरेस्ट का डेट्स है। तो ये दोनों इंटरेस्ट का डेट्स है और आपने परचेस और कैंसिलेशन मई में किया है। सर परचेस और कैंसिलेशन कितने का किया है, आपने 8,000 डिबेंचर्स का किया। सर इसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, इंटू 100 करोगे तो 8 लाख की फेस वैल्यू रहेगी। तो देखो फेस वैल्यू विल बी 8 लाख रुपीज़, फेस वैल्यू विल भी 8 लाख रुपीज़। तो 50 लाख माइनस 8 लाख का खरीद लिया फेस वैल्यू वाला, तो कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बचे रहेंगे बाद के लिए, 42 लाख रुपीज़ के, ये हो गए। बाद में अभी आपको मंथ्स गिनने, अच्छा 9% इंटरेस्ट ये क्वेश्चन में दिया गया था, अगर आप देखोगे इट वॉज 9% इंटरेस्ट, यस सर। अभी अगर मैं बात करता हूँ मंथ्स की गाइज, तो पे कब होता है, 30 सितंबर और 31 मार्च को पेमेंट होता है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो आप देख लीजिएगा, 1 मई बोलते, 1 अप्रैल बोलता हूँ, मतलब क्या होता है 31 मार्च आ जाता है तो निल, बाद में अगर मैं 31 मई बोलता हूँ तो कितना महीना आ जाता है सर, अप्रैल आ जाएगा, मार्च में पेमेंट होता है, अप्रैल और मई दोनों आ जाएगा बिकॉज, तो ये देखो 2 महीना आ जाएगा। बाद में 30 सितंबर को पेमेंट होता है तो 6 महीना पूरा आ जाएगा मार्च से गिनने का सितंबर तक, फिर अभी सितंबर से गिनना चालू करने का बिकॉज इंटरेस्ट दे दिया, तो सितंबर के बाद मार्च में इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ये 6 महीना आ जाता है।
आई होप आई डोंट हैव टू टेल यू दिस. आपको क्या करना है, 8 लाख इंटू 9% इंटू 2/12, 42 लाख इंटू 9% इंटू 6/12, 42 लाख इंटू 9% इंटू 6/12. तो आपको ये वाली चीज़ें आ जाएंगी अभी, देर इज़ नो डाउट इन दैट. तो ये इंटरेस्ट वाली बातें भी हो जाएंगी. इंटरेस्ट वाली बातें होने के बाद अभी क्यूमुलेटिव है कि एक्स इंटरेस्ट है करके. तो देखते हैं वर्ड क्या लिखा गया था, एक्स इंटरेस्ट, और ये 98 रुपीज़ लिखा गया. तो ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8000 इंटू 98 दैट बिकम 78400 करके, दैट इज दिस करके 78400. और जब भी परचेस और कैंसिलेशन होता है आपको समझ में आना चाहिए, एज एन वेन देर इज अ परचेस एंड कैंसिलेशन, इफ दिस इज एक्स इंटरेस्ट दिस इज माई फेस वैल्यू, तो 8 लाख वाला डिबेंचर आपने 7,84,000 में खरीदा है तो 16,000 का आपको क्या हो जा गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा. आपने सस्ते में खरीदा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्रॉफिट है, फेस वैल्यू में से ये माइनस कर देने का, यस दैट इज अ प्रॉफिट. नाउ इंट्रीज, इंटरेस्ट कौन से आएंगे, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछने का, ईयर एंड में ये जो डिबेंचर है ये रिडीम होंगे क्या. पिछले क्वेश्चन में रिडीम हुए थे, बोला था दीज आर रिडीमेबल करके, तो रिडीम किया था. क्या ये रिडीम होने वाले, ऐसा कुछ लिखा है कहीं पे, कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है. पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में दैट वाज स्पेसिफिकली रिटन दीज आर रिडीमेबल करके, ओके नथिंग इज गिवन. तो चलो एंट्री पास करना चालू करते. अभी देखो थोड़ा खतरनाक है, इधर मिस्टेक होने के पक्का पक्का चांसेस है. दीज आर इस साल में ये रिडीम नहीं हो रहे, क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला था ये भी रिडीम हो जाएंगे, तो उसका रिडम्पशन का भी एंट्री किया था. अब देखना क्या होगा, सबसे पहले आपको DRR और DRRI क्रिएट करना है. ये वर्किंग आउट नंबर 1 से पता चलेगा कितने का, 5 लाख का आपका DRR देखो ये हो जाएगा, देन आपका DRR 7,50,000, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 7,50,000 टू दिस. ये हो गए पहले दिन की एंट्री. अब जब रिडम्पशन होएगा देखो रिडम्पशन, अच्छा परचेस और कैंसिलेशन हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है परचेस और कैंसिलेशन, देखो बीच में हो रहा है ईयर, यहाँ पे बीच में हो रहा है, तो 30 मई को, तो 31 मई को अगर परचेस और कैंसिलेशन हो रहा है तो जिस दिन हो रहा है, अच्छा सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कितने रुपए का परचेस और कैंसिलेशन हो रहा है इस बार, 8 लाख का. इसके पहले देखो क्या हो रहा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको समझा दूँ तो डिबेंचर्स थे कितने के, 16 लाख के. मुझे बता दो ईयर एंड में सारा खत्म हो जा रहा था, हाँ ईयर एंड में सारा खत्म हो रहा था, 2 लाख का परचेस और कैंसिलेशन था और 14 लाख का आपका रिडम्पशन था करके. अभी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपके 8 लाख का ही कैंसिलेशन हो रहा है. तो मुझे बताओ रिवर्सल भी उस हिसाब से होना चाहिए. मुझे बता दीजिएगा 8 लाख का 10% कितना होता है, तो 80,000 होता है, और 8 लाख का 15% कितना होता है, 1,20,000 होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने ये क्यों निकाल के बताया, बिकॉज ये जो क्रिएट हुआ ये 50 लाख के आउटस्टैंडिंग वैल्यू पे क्रिएट हुआ, ये 10% और ये 15%. तो अगर 50 लाख में से 8 लाख माइनस हो रहा है तो उससे कनेक्टेड ही रिवर्सल होना चाहिए, पूरा रिवर्सल नहीं करने का 5 लाख का और 7,50,000 का. क्या ये समझ में आता है तुम्हें, पूरे 5 लाख का नहीं करने का, जब जब रिडम्पशन होएगा तब तब उसका रिवर्सल करने का. तो रिडम्पशन कितना हो रहा है, रिडम्पशन तो 8 लाख का ही हो रहा है, परचेस और कैंसिल 8 लाख का ही कर रहे हो. तो 8 लाख इंटू आप 15% कर दीजिए, उतना इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए, 8 लाख इंटू 10% कर दीजिए, जो भी आंसर आया उसका DRR का रिवर्सल कर दीजिए. देखो 8 लाख इंटू दिस, 8 लाख इंटू दिस, पहले वाले क्वेश्चन में पूरा 16 लाख जा रहा था, टेंशन ही नहीं था, इधर 2 लाख जा रहा है, इधर 4 लाख जा रहा है, लेकिन जा तो पूरा 16 लाख जा रहा है, तो पूरा ही खत्म हो रहा था. आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज द पॉइंट विच इज वर्थ नोटिंग करके. तो या देर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन मेक मिस्टेक इन दिस वैल्यू, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. और परचेस और कैंसिलेशन कितना हो रहा है सर, 8 लाख का. तो देखो यहाँ पे 8 लाख का परचेस कैंसिलेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट आप इतना रुपया दे रहे हो 7,84,000, तो 16,000 का प्रॉफिट. 8 लाख के अगेंस्ट आप 7,84,000 दे रहे हो तो 16,000 का प्रॉफिट, और ऊपर से फिर आपको 12,000 इंटरेस्ट का भी देना है, तो आपने इंटरेस्ट का भी दे दिया करके, सारी इंटरेस्ट हो गई. अच्छा एक चीज़ और, ईयर एंड होगा, इसके बाद ईयर एंड होगा तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री वापस आ जाएगी. देखो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री कब आएगी, देखो मैंने ये कर दिया, अभी इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इसके बाद ये एंट्री आएगी. देखो पहले मैंने फर्स्ट डे पे क्रिएशन का एंट्री पास कर दिया, समझो क्रिएशन का, ये तो फर्स्ट डे पे, उसके बाद बिकॉज ये हो रहा था तो इससे कनेक्टेड सारी इंटरेस्ट पास कर दी, क्या क्या होनी चाहिए, DRR रिवर्सल वगैरह. अब ये दो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, 189 देखो 189 ये 30 सितंबर को होगी, और 31 मार्च को क्या हो जाएगी आपकी, ये इंटरेस्ट टू बैंक, और लास्ट में सारा इंटरेस्ट किधर जाएगा आपका, P&L में जाएगा पूरा, टोटल मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना है देखो, ये 3,90,000 ये टोटल कर दोगे, तो वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट दैट इज योर एक्सपेंस विच विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट करके.
अच्छा सर, क्वेश्चन अराइज होता है कौन से अकाउंट बनाने का करके, नेसेसरी वर्ड लिखा है ना सर, नेसेसरी वर्ड में कौन से अकाउंट बनाने का, ये आप बता दीजिए। तो सर जब भी नेसेसरी वर्ड लिखा रहेगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन नेसेसरी एज एन वेन दे से व्हाट आर द अकाउंट्स यू विल प्रिपेयर। सबसे पहले देखो आप डिबेंचर अकाउंट बना दोगे, हाँ डिबेंचर के साथ साथ आप डिबेंचर से कनेक्टेड और दो अकाउंट बना लेते हो, DRR और DRRI भी बना लेते हो। डिबेंचर के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलता है ये दिया नहीं गया, इसलिए ये अकाउंट नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट्स कैसे कैसे बनेंगे हमेशा, पहले ये तीन अकाउंट तो हमेशा बनाने का नेसेसरी बोला मतलब, फिर इससे कनेक्टेड डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है। देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं बोले कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं तो वो इंटरेस्ट का भी रिकॉर्डिंग होता। देन लास्ट में जब रिडम्पशन होता है तो आप किसको पेमेंट करते हो, एक तो या तो डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन वाला करते हो, तो परचेस और कैंसिलेशन करते हो। अभी डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन तो नहीं हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परचेस और कैंसिलेशन हो रहा है। और बिकॉज इट इज परचेस एंड कैंसिलेशन तो आपका कौन सा अकाउंट देखो यहाँ पे हिट हो रहा है, ऑलरेडी आपने ये अकाउंट बना दिया डिबेंचर, बैंक अकाउंट बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन में। आप स्पेसिफिकली देखोगे नेसेसरी अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट, तो बैंक तो नहीं बोला है, तो बचता कौन सा है, इंटरेस्ट अकाउंट भी आपने बना लिया, इंटरेस्ट अकाउंट भी आपने बोल दिया डिबेंचर उसका इंटरेस्ट, तो बचता कौन सा है, POC दैट इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, सो देयर इज वन मोर अकाउंट दैट विल बी प्रिपेयर्ड। आपको समझा अकाउंट्स कितने बनेंगे सारे लिख देने का, और बिकॉज एक बार वापस यस बोल दीजिए, अभी मैंने देखा नहीं था, तो ये अकाउंट कट हो जाएगा, यस ये अकाउंट कट हो जाएगा बिकॉज रिडम्पशन नहीं बोला है, परचेस और कैंसिलेशन है, तो एक प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या तो लॉस ऑन कैंसिलेशन, दो में से एक आ जाएगा, डिपेंड करता है। अब अभी अकाउंट बना दिया आपने, अभी तो पोस्टिंग है यार, अभी तो बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस था 50 लाख का, एक बार फटाफट से देखो, डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस था 50 लाख का, ये आपने एंट्री कर देनी है, और ये 50 लाख के बाद अभी एक एक करके आपने क्या कर दिया है, परचेस एंड कैंसिलेशन किया है। अच्छा, परचेस एंड कैंसिलेशन से पहले आप एक काम कर सकते हो, DRR क्रिएट करना है तो ये क्रिएट कर दो, DRR के क्रेडिट में और DRRI के डेबिट में 5 लाख और 50 हज़ार। देखो DRR के क्रेडिट में यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग में नहीं था तो आपने क्रिएट किया 5 लाख, यहाँ पे भी ओपनिंग में नहीं था तो आपने क्रिएट किया 7,50,000, तो आपने ये एंट्रीज कर दी। बाद में बैंक अकाउंट तो नहीं, लेकिन DRR के क्रेडिट में 1,20,000, DRR के क्रेडिट में एक सेकेंड, DRRI के ये बैंक, ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट करके आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है ना, तो 1,20,000, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 1,20,000 देखो आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आपने फिर ये भी रिजर्व 80,000 का रिवर्सल किया है, तो टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लिख दीजिएगा DRR के डेबिट में टू जनरल रिजर्व करके। और बाद में ये लिखने के बाद अभी यहाँ पे एक एंट्रीज 9% डिबेंचर के डेबिट में जाइएगा, दो एंट्री, एक 16,000 की, एक 784 की, तो एक 16,000 एक 784 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी एक बनाया उसके डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो आप एंड में ही क्लोज कर दो, या तो चलो ठीक है ये कर दिया, देन वापस आगे जाओगे 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 तो ये एंट्री ये। अच्छा, जनरल रिजर्व अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरल रिजर्व में और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो अपने को पता नहीं, तो वो अकाउंट नहीं बनाने का। वापस इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के डेबिट में टू बैंक, वापस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के डेबिट में टू बैंक, दो दो एंट्री, 189 189 189, और ये लास्ट में P&L में ट्रांसफर कर दोगे। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी था, सॉरी वो मैंने देखा नहीं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन था 1,16,000, तो वो यहाँ पे अपोजिट साइड पे पोस्ट होगा, देखो यहाँ से 16,000 जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन था, एंड देन दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये प्रॉफिट क्या रोज रोज होता है क्या, परचेस और कैंसिलेशन डिबेंचर रोज करते हो क्या हर साल, नहीं, सो दैट हैपन्स बहुत कम टाइम वो होता है, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट गाइस, दैट विल बी ट्रांसफर टू द P&L नहीं सॉरी कैपिटल रिजर्व करके, बिकॉज इट इज अ वन टाइम इवेंट, रेगुलर इवेंट नहीं है ये। दैट्स इट, और लास्ट में अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस क्यों आ रहे हैं ये सारे, बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर पेंडिंग है, तो डिबेंचर से कनेक्टेड आपका 10% का DRR पेंडिंग है, वो भी बैलेंस में, और यहाँ पे आपका उतना इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, अकाउंट P&L में भेज दिया, और ये आपका अकाउंट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में इसको भेज दिया, और ये इंटरेस्ट हर साल होता है, ये पे करना होता है, तो P&L में, और जो कभी कभी एक प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, sometimes it happens, not every day you cancel the debentures, that will go to the capital reserve, and we are done with this question. Guys, let us start with the question number 2. देखते हैं अभी यहाँ पर क्या डेटा है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ज़रा मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं illustration, solution, 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 yeah, यहाँ पे go, तो let's start with this question.
यहाँ पे कंपनी के बारे में डेटा दिया गया, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपके दोनों चीज़ें बनेंगी, डी आर 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 भी बनेगा, डी आर आर आई भी बनेगा, ये 10% और ये 15% करके देखते। लेकिन क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला है क्या, तो क्वेश्चन के एंड में क्या बोला है, कंसर्न्ड लेजर अकाउंट, कंसर्न्ड मतलब नेसेसरी एक्सक्लूडिंग बैंक करके, तो कंसर्न बोला मतलब सारे अकाउंट ही आ जाएंगे आपके, ये दिन तो पक्के पक्के आएंगे, डिबेंचर, डीआरआर, डीआरआरआई अकाउंट आएगा, फिर इसके ऊपर का इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, इसके ऊपर का इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, फिर डिबेंचर का रिडम्पशन किस तरीके से होता है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी आ सकता है, और परचेस और कैंसिलेशन, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या तो लॉस ऑन कैंसिलेशन, उसमें से अकाउंट आएंगे करके, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ सकता है अगर आपका डिबेंचर होल्डर का है। देखते हैं ये नेसेसरी अकाउंट्स है, अभी इनमें से कौन से आएंगे और कौन से नहीं आएंगे हम पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा। सर ये कंपनी है, ये 31 मार्च का इसका कुछ बैलेंस दिया गया, 31 दिसंबर का, 6% मॉर्गेज, 100 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ दिस करके, आपको ये समझ में आता है, 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच बोला, बोलेगा तो 10 लाख हो जाएंगे शायद, देखते हैं, या दैट इज गना बी 10 लाख रुपीज, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो देखते हैं रिजर्व कितना क्रिएट होना चाहिए। सबसे पहला नेसेसरी अकाउंट है मतलब डीआरआर और डीआरआरआई दोनों भी आ जाएंगे, तो सर 10 लाख के ऊपर 10% और 15%, तो 1 लाख और 1,50,000, लेकिन सर ऑलरेडी कितना ओपनिंग बैलेंस है देख लो जरा, तो आपका डीआरआर का आपको बैलेंस दिख जाएगा 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट का आपको बैलेंस दिख, शेड्यूल बैंक में इन्वेस्टमेंट जो किया दैट इज़ 1,50,000, तो ऑलरेडी बैलेंस कितना क्रिएटेड है, 1 लाख और 50,000 का बैलेंस क्रिएटेड है, अब देख सकते हो 1 लाख और 50,000 का बैलेंस क्रिएटेड है, 1,50,000 का होना चाहिए, 1,50,000 का है, 1 लाख का होना चाहिए, 50,000 का ही है, मतलब 50,000 आपका बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ये डीआरआर का क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएट कर देंगे और क्या। चलो देखते हैं इसके अलावा और क्या एंट्रीज है, इसके अलावा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है 15,000 के ऊपर। अच्छा मतलब ये एंट्री भी है, देखो ये अकाउंट जो डिबेंचर वाला आएगा ये भी आएगा, ये भी आएगा, और अभी तक ये भी आ जाएगा, और डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता ही है, वो लिखा हुआ है 6% करके, देखो तो वो भी अकाउंट वो भी आ जाएंगे। यहाँ तक इतना क्लियर हुआ, हाँ, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन पेड ऑन 30th दिसंबर 31st, अच्छा ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस भी दिसंबर दिसंबर वाला ही सीन दिया है, मतलब कहने से आपका ईयर एंड और ईयर बिगनिंग, ये जैन टू दिसंबर रहेगा आपका, जैन बिगनिंग रहेगा और दिसंबर विल बी द एंडिंग करके, चलो ठीक है। अभी डिबेंचर देखो परचेस और कैंसिलेशन होता है ना, देखो वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा क्या आता है, डीआरआर और डीआरआरआई, अगर ये अकाउंट्स बन रहे तो सर वर्किंग नोट नंबर 2 हमेशा क्या बनाने का, वर्किंग नोट नंबर 2 हमेशा बनाने का परचेस एंड कैंसिलेशन अगर है तो, इस क्वेश्चन में नहीं है, अभी तक सारे क्वेश्चन में था लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो परचेस और कैंसिलेशन नहीं आएगा गाइस। अभी आगे बढ़ते हैं, और द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड ऑन 30th दिसंबर 2021, चलो ठीक है आगे, तो इंटरेस्ट आपका इस दिन पे होता है इतना बस बोल दिया गया, इंटरेस्ट का एक डेट दिया गया ऑन फेब्रुवरी 28, मतलब कौन से, देखो सबसे पहले समझो ये है आपका 20X1 का बैलेंस, मतलब अगर मैं जैन महीने का ओपनिंग की बात करूँ तो 20X2 हो जाएगा, वो ईयर चेंज हो जाएगा, तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो इस साल के बना रहे हैं, आपको बैलेंस जो दिया वो दिसंबर X1 का दिया है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा सर, X2 हो जाएगा, तो X2 का ये ओपनिंग बैलेंस है जो 10 लाख का दिया है, अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हमें X2 की बात कर रहे हैं, 20X2 की, तो 20X2 की बात करेंगे तो जैन से, अभी ये फेब्रुवरी का एंड बोला है तो 2 महीने के बाद ही कुछ हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पर एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 105 टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डिबेंचर का रिडम्पशन 2 महीने बाद ही हो रहा है करके, डू यू अंडरस्टैंड दैट, ईयर एंड का वेट ही नहीं करना है। ओके गाइस, तो यू कैन सी दैट यहां तक हमने देख लिया कि आपका ये 3 अकाउंट्स बनेंगे, ये 2 बनेंगे। अभी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको 1 जैन का डेटा है और फेब्रुवरी के एंड में आपका रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, और रिडम्पशन का कुछ नहीं बोला, मतलब ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 101, अच्छा 101 टुगेदर विद द इंटरेस्ट करके, चलो ठीक है। सबसे पहले बोलो रिडम्पशन अरे तुम टेंशन में, तो डिनर टाइम अभी वो खत्म ही करेंगे, मैं बाद में खाना खा लेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, मैं हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे बाद अभी खाए, अभी खत्म करके ही उठते, बाद में ना तो वो रिकॉर्ड वो पूरा ये हो जाएगा, उससे अच्छा अभी खत्म ही कर देते, ठीक है चलो। अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखना, अभी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे गाइज, तो यहाँ पर ओके, तो हम यहाँ पर थे कि अपना जैन का महीना है सर, जैन का महीना है और ये जैन 2X2 है और हम फेब एंड में रिडम्पशन कर रहे हैं, चलो तो आप सोल्यूशन में देख सकते हो, सोल्यूशन में
हमने यहां तक की बात कर ली थी कि आपको DRR क्रिएट करना है 50 का, ये तो ऑलरेडी है ही। अब अभी सबसे सेकंड वर्किंग नोट नंबर 2 क्या आता है, परचेस और कैंसिलेशन। सर नहीं है क्वेश्चन में, तो चलो एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। अभी एंट्रीज वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा क्या रहेगा, DRR वाला, दूसरा रहेगा परचेस और कैंसिलेशन, और तीसरा रहेगा एंट्रीज, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलो एंट्रीज पास करते हैं फर्स्ट जैन को। फर्स्ट जैन को अगर आप एंट्रीज पास करोगे तो DRR की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो 50,000 क्रिएट करने का है तो क्रिएट कर दो PNL to DRR। सर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जितना चाहिए उतना है करके, चलो ठीक है। फिर 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मतलब 29 फेब को क्या हो रहा है, रिडम्शन, रिडम्शन हो रहा है, मतलब इस बार परचेस और कैंसिलेशन नहीं, रिडम्शन हो रहा है, तो आपका वो डिबेंचर वाला एंट्री आ जाएगा। और कितने का रिडम्शन हो रहा है, पूरा सर 10 लाख का, तो पूरा रिवर्सल हो जाएगा आपका। ये जो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है वो आप बेच दोगे, कुछ नहीं बोला मतलब पार पे बेचोगे। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR करके बैंक अकाउंट डेबिट बेच दोगे इन्वेस्टमेंट, एंड टू इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो 2 इन्वेस्टमेंट। और सर ये जो आपका 1 लाख का बैलेंस है वो आपका रिवर्सल पूरा हो जाएगा, या तो आप सिंपल 10 लाख का रिडम्शन कर रहे हो तो 10 लाख का 10%, अरे 10 लाख का आपका 15% ऐसा बोल सकते हो तो भी ठीक है। तो देखो 15 ये यहाँ पे 10% आप जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हो, और अगर आप 10 लाख रिडीम कर रहे हो तो एंट्री क्या होएगा, देखो आप रिडम्शन किस चीज़ पे कर रहे हो सर, आप रिडम्शन जो कर रहे हो वो 101 पे कर रहे हो, 101 पे। तो यू गाइस आर रिडीमिंग एट 101, अगर आप रिडम्शन 101 पे कर रहे हैं तो आप 100 रुपये का 101 रुपया दे रहे हैं, तो 10 लाख रुपये का कितना दे रहे हो आप, एक आप निकाल दीजिए 1% प्रीमियम, तो 10 लाख का इंटू 1% 10,000 आता है, 10,000 का आपका प्रीमियम ऑन रिडम्शन हो जाएगा। तो सर इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, अभी आपको डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 10 लाख 10,000, तो 10 लाख 10,000 टू बैंक अकाउंट, और ये जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्शन है वो PNL में से राइट ऑफ कर दीजिए। ये एंट्रीज तो हो गई, अभी इसके अलावा भी तो एंट्रीज आएगी सर, इस बार इंटरेस्ट की भी एंट्रीज आती है। देखो कौन सी, तो मैंने अकाउंट्स कौन से बोले थे याद रखना, नेसेसरी अकाउंट्स बोला गया ना गाइस, नेसेसरी अकाउंट्स। तो कौन से अकाउंट्स आएंगे, आपका डिबेंचर अकाउंट, आपका DRR अकाउंट आएगा, आपका DRRI अकाउंट आएगा, उसके बाद इसका इंटरेस्ट, उसके बाद इसका इंटरेस्ट, और इसके बाद डिबेंचर होल्डर का रिडम्शन हो रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट भी आएगा, ठीक है। नाउ मैं ये बात करता हूँ, इस बार इसका भी इंटरेस्ट दिया गया है, आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम डिबेंचर की बात करेंगे, डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना होता है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ बीन पेड अप टू 30th September, वी कैन से द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ बीन पेड अप टू ये पेड अप टू दिस, तो ये इस एक्स, अब एक्स टू की बात कर रहे हैं, अभी एक्स वन तक तो वो पे हो गया था वो ठीक है, एक्स टू में कितने महीने का पे होगा, 2 महीने का विद अक्रूड इंटरेस्ट, तो 2 महीने का इंटरेस्ट पे होएगा। तो अगर आप 2 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, 10 लाख का डिबेंचर है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2/12 कर लीजिएगा ये एंट्री, और ये इंटरेस्ट आप कहाँ पे डाल दोगे, PNL में ट्रांसफर कर दोगे करके, ठीक है। अगेन सेम आपको ये जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मिलता है, देखो कहाँ पे लिखा है ये 4%, तो आप 4% निकालोगे तो 4% कितना आ जाएगा सर, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी टोटल ओपनिंग के अंदर, तो उसका 4% निकाल लो, दैट इज गन अभी 6,000, सो दैट इज गन अच्छा इंटू 2/12, सॉरी बिकॉज अगेन 2 ही महीने की बात है यहाँ पे, तो 2 तो दैट इज गन अभी 1,000 1,000 1,000 1,000, बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट मिला 2 इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आपका PNL में जाएगा। सारी एंट्रीज तो पोस्ट हो गई है गाइज, यू जस्ट नीड टू मेक द, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कौन सा अकाउंट आएगा, ये 3 आएंगे, और इसका इंटरेस्ट, फिर डिबेंचर होल्डर का है तो परचेस एंड कैंसिलेशन वो तो नहीं है, रिडम्शन हो रहा है तो एक डिबेंचर होल्डर अकाउंट आएगा और एक प्रीमियम ऑन रिडम्शन आ जाएगा। सो दीज आर द अकाउंट्स, और ये मैंने नंबर ऑफ लाइन्स बोल दिए, आप एग्जाम में हमेशा 5 लाइन के बना देना सारे अकाउंट, लेकिन क्या ना बच्चों का लाइन्स मतलब वो बराबर हो नोटबुक में अभी के लिए, तो मैंने वो लाइन्स लिख दिए थे। एग्जामिनेशन में एवरी अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 5 to 6 लाइन्स, कोई सोचो ही मत, बैंक अकाउंट तो बोला है क्या, एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, तो ठीक है। अभी अभी क्या करना है, ये सारे अकाउंट बनाने के बाद देखो पहले डिबेंचर, फिर DRR, फिर DRR का रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट, फिर इंटरेस्ट ऑन दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन DRR, फिर डिबेंचर होल्डर पी, और ये एक बैंक अकाउंट पे बना दिया था समझाने के लिए, हालांकि एक्सक्लूडिंग बोला है, देन बैंक अकाउंट की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इवन मॉड्यूल डिड दैट, आई डोंट नो वाई, लाइक इट शुड बी इंक्लूडिंग देन, राइट। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स, बट स्टिल इवन आफ्टर दैट वन अकाउंट वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी, तो या द बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बट दीज आर द अकाउंट्स विच आर टू बी प्रिपेयर्ड करके, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे हम पोस्टिंग देखते हैं, ओके गाइज, सो दीज आर द अकाउंट्स विच यू गाइज हैव टू प्रिपेयर। अब ये जैसे ही अकाउंट्स बन गए, अभी आगे देखो क्या होगा,
आगे इसके बाद वंस यू मेक दिस अकाउंट्स व्हाट यू वांट टू डू इज सी अंडरस्टैंड दिस. इसके अंदर ये आपने अकाउंट्स तो बना दिए. अभी सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करना है. तो डिबेंचर का कितना बैलेंस है 10 लाख, ये है 1 लाख और ये है 1,50,000. तो पहले 10 लाख का क्रेडिट बैलेंस 10 लाख. फिर DRR का कितना है बैलेंस आप देख सकते हो 50,000. और उसके बाद 50,000 नहीं सॉरी हाँ हाँ माई मिस्टेक, इसका बैलेंस है 50,000 और इसका बैलेंस है 1.5 लाख. तो 50 और 1.5 लाख, 1.5 लाख डेबिट में लिख दीजिएगा. हाँ तो ये समझ में आ गया. हाँ अभी क्रिएशन, क्रिएशन किसका करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. DRR के क्रेडिट में 50,000 क्रिएट कर दो PNL लिख के. तो अगर आप PNL लिख के क्रिएट करोगे तो देखो इधर आ जाएगा बाय PNL करके. ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये DRRI क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद रिडम्शन कर रहे हो तो बैंक, अभी बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हो, तो ये DRRI के क्रेडिट में, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाके 1,50,000 देखो. मतलब अभी आपको पोस्टिंग्स करनी है, समथिंग विच कैन बी डन एट यूर एंड इजिली. डिबेंचर के डेबिट में जाके दो लिख दो और ये लिख दो 1,10,000 का आपका यहाँ पे. तो ये सॉरी डिबेंचर के डेबिट में जाके ये 10 लाख लिख दो डिबेंचर होल्डर 10 लाख करके. और प्रीमियम रिडम्पशन के डेबिट में जाके बचा हुआ 10,000 लिख दो. मतलब अब ये मेरे को लगता है सोल्यूशन इज देयर विथ यू आई होप. कैन यू जस्ट टेक्स्ट मी इन द चैट बॉक्स दैट दिस पोस्टिंग वाला पार्ट कैन बी डन इजिली. हेलो Yes, that is something that you just need to post the things and yeah, the things will be done. Okay, the bank account is prepared just for the additional thing. Halaki they were saying ki bank account mat banaiyega karke, but still yeah. So it is just made as an additional part. They were not asking for a bank account, but module did it. So ek bana diya gaya hai. But okay, aapko banane ki zarurat nahi hai. Acha. बस अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे. मतलब अगर आप देखने जाओगे तो अभी दैट इज़ द कैटेगरी कि आप DRR से लेके, मतलब अगर आप देखोगे सॉल्यूशंस दिए गए, पहले आप बैलेंसेस चेक करोगे अगर ये कंपनी है तो आपको, मतलब यू विल गेट एन आइडिया इफ़ यू यहाँ पे. तो सारे वैसे ही रहने वाले हैं. गाइज लेट्स डू वन क्वेश्चन विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए जो आपके टेस्ट योर नॉलेज के अंदर दिया गया है. तो लेट्स हैव अ लुक कि क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या दिया गया है टेस्ट योर नॉलेज का जो है. हाँ तो जरा पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या दिया गया. लिखा गया अ कंपनी हैज इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. तो मैं आपको बता देता हूँ डिबेंचर्स कितने हैं, 20,000 ऑफ ₹100 ईच. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 लाख के डिबेंचर्स हो जाएंगे, ये देख लीजिएगा. आगे द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन दिस जुलाई, 1 जुलाई करके. तो आप 1 अप्रैल पे हो, आप 1 अप्रैल पे और रिडम्पशन कब होने वाला है, 1 जुलाई पे होने वाला है करके, अराउंड आफ्टर अप्रैल में जून 3 मंथ्स के बाद आप 1 जुलाई पे रिडम्पशन कर रहे हो, ठीक है. आगे द टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट द दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो प्रीमियम ऑफ 5% पे रिडीम होगा, मतलब अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो 105 तो देना पड़ेगा करके, ये बात तो पक्की है, 5% प्रीमियम है. एंड ऑल्सो कन्फर्ड टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट, तो या तो या एंड टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इन टू द इक्विटी शेयर. तो उनके जितने भी शेयर रहेंगे 20% इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹15. फेस वैल्यू 10 है लेकिन एट अ प्राइस ऑफ ₹15 विच इज अ प्रीमियम पे कन्वर्ट होंगे 5 रुपया. डिबेंचर होल्डिंग 2,500 डिबेंचर्स होल्डर डिड नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन. मतलब दो ऑप्शन है देखो, मैं आपको बोलता हूँ डिबेंचर्स के अंदर, या तो आपको रिडम्पशन, आपको पैसा मिल जाएगा आपको, या तो आपको कैश मिल जाएगा, या तो आपको कैश प्लस 20% होल्डिंग, मतलब 80% कैश मिलेगा और 20% होल्डिंग आपकी डिबेंचर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दी जाएगी. दैट इज समथिंग विच इज रिटर्न. अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो देखो आपको ये रहेगा पहला, एक तो रिडीमेबल एट 5% एंड, या तो यहाँ पे एंड आपका दूसरा क्या रहेगा, या तो एंड कन्वर्ट द ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया ऑप्शन, मतलब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो करके, ये कन्वर्शन वाला. कितने लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, 2,500 लोगों ने डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. तो मैं बोल सकता हूँ डिबेंचर्स है कितने मेरे 20,000, तो 20,000 में से इतने लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, तो बचे हुए लोगों ने किया. तो आई कैन से दैट 20,000 में से अगर ऑप्शन रिजेक्टेड बाई दिस 2,500 लोग, तो बचा हुआ 17,500 ने ऑप्शन एक्सेप्ट किया है, ठीक है. लेट अस मल्टीप्लाई बाई द फेस वैल्यू. अगर आप मल्टीप्लाई फेस वैल्यू करते हो तो ये आंसर आ जाता है, तो आपकी फेस वैल्यू आ जाती है. पर आपको भी पता है कि आप जब डिबेंचर रिडम्पशन करने वाले हो तो आप 5% का प्रीमियम देने वाले हो, दैट इज 100 वाला डिबेंचर 105 में रिडम होगा, रिडीम होगा, ऐसा अपन ने बात किया था. तो लेट अस कैलकुलेट 5% ऑन दिस, 5% ऑन दिस, 5% ऑन दिस. तो टोटल हमें कितना रुपया देना है सामने वाले को, 21 लाख रुपीज़, 20 लाख का 21 लाख देना है. ऑप्शन जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है
तो यहाँ पे उनको इतना बनता है 5% ऐड करके, यहाँ पे 5% ऐड करके इतना बनता है। अब जिन लोगों ने ऑप्शन रिजेक्ट किया, मतलब उनको शेयर्स नहीं चाहिए, उनको पैसा ही चाहिए, तो दे दिया ना भाई, 100 रुपया है तो 5% ऐड करके दे देना इतना पैसा, पे कैश। आई कैन सी यहाँ पे कैश। बट ये जो दूसरे लोग हैं, इनके लिए अपन ने क्या बोला था, ये दूसरे लोग को जो इतना पैसा देना है, वी टोल्ड देम कि आपको हम 5% प्रीमियम देंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि 20% आप होल्डिंग इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और बचा हुआ पैसा ले लो। तो 20% होल्डिंग अगर आप निकालोगे तो 18375 इंटू 20% दैट बिकम्स दिस वैल्यू, तो माइनस करोगे तो इतना कैश मिल जाएगा, 80% कैश में ले लो। यहाँ पे 100% कैश, कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं भाई, यहाँ पे 20% शेयर्स में ले लो। और अगर आप 20% शेयर में ले रहे हो तो एक शेयर कितने का बोला, 15 रुपीज़ का, आप देख सकते हो। तो वन शेयर इज ऑफ 15 रुपीज़, इन दैट केस इफ यू डिवाइड बाई दिस, डिवाइड बाई 15, यू गाना गेट दिस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर विल बी दिस, उसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू है और 5 रुपया प्रीमियम है, और टोटल कैश पेमेंट कितना आ जाएगा, ये प्लस ये, अगर आप टोटल कर दोगे तो आपने इतना कैश पेमेंट किया है करके। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एंड में उन्होंने वही पूछा था, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, अगर आप ये होता है तो, और कितना कैश पेमेंट होगा। यस, दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल। इसी के बेस पे गाइज, इसी के बेस पे एक और एक क्वेश्चन है जो बैलेंस शीट के साथ मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस बुक, तो या हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा गया है द बैलेंस शीट दी गई है कन्वर्टेबल लिमिटेड की, एक कंपनी की बैलेंस शीट है, अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे ही अनलिस्टेड बोला तो दो चीज आनी चाहिए, डी आर आर भी आएगा और डी आर आर आई भी आएगा करके, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट के एंड में वापस लिखा गया है, सबसे पहले डिबेंचर्स है कितने, अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोई के अंदर देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आपके डिबेंचर्स कितने दिखेंगे, 1 लाख डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से, अगर आप देख सको तो 1 लाख डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है द डिबेंचर्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले 1 लाख डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से, 1 लाख डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से, मतलब 100 लाख रुपीज़ देना बनता है करके, क्या देना है, क्या ऑप्शन, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑप्शन कितने लोग रिजेक्ट कर रहे हैं टोटल में से, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इसका ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 अप्रैल, और रिडम्पशन के टर्म्स क्या है, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। व्हेन आई से 5% प्रीमियम, मतलब आपको 100 लाख के ऊपर और 5 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब 105 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन देखते हैं, एंड ऑल्सो कॉन्फर्ड द ऑप्शन, क्यों ऑप्शन है कि डिबेंचर्स को हम, डिबेंचर्स को जिसको भी पैसा देना है उनको 20% होल्डिंग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे और 80% कैश में देंगे, ऐसा कितने लोग एट दिस प्राइस, और ये शेयर प्राइस ये रहेगी उसकी जब कन्वर्जन करोगे, एंड पे द कैश 80% कैश और 20% ये इक्विटी शेयर्स, एक्सेप्ट 100 डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग, 100 लोग थे और उनके पास टोटल कितने डिबेंचर्स थे, 25,000 डिबेंचर्स थे, एक्सेप्ट इनको छोड़ के द रेस्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो ये लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, 25,000 लोगों ने, इनको छोड़ के सब ने किया, तो अगर 25,000 लोगों ने ऑप्शन रिजेक्ट किया, एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब 75,000 ने एक्सरसाइज किया, तो इंटू 100 कर दीजिए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर 5% निकाल लीजिए तो आपका प्रीमियम आ जाएगा इतना रुपया, ये दोनों को देना बनता है। ये लोगों ने बोला हमको कैश की कैश पूरी 100% कैश दे दो, हमने बोला ले लो कैश, और ये जो दूसरे बचे हुए थे उन्होंने बोला कि 20% हमें कैश में दे दो और 80% कैश दो, 20% शेयर्स, तो ये कैश आ गई, तो कंपनी कैश कितना पे करेगी, इतना पे करेगी। तो सर ये जो 20% शेयर्स जो उनको मिलेंगे वो एक शेयर कितने का रहेगा, 15.75 का रहेगा, तो डिवाइड बाय 15.75 यू गाना गेट 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इंटू 10 इंटू 5.75 करके। क्या ये वाला डायग्राम क्लियर है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो यस, दैट इज वेरी मच क्लियर करके, दैट इज वेरी मच क्लियर। अभी अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है देख लेते हैं, क्या क्या पूछा है करके क्वेश्चन के एंड में। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब सब कुछ बनाना पड़ेगा इसके अंदर, DRR DRRI वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। चलो तो बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले वर्किंग नोट हमेशा वही आता है अपना DRR और DRRI का। तो चलो डिबेंचर्स कितने थे आपके, टोटल 100 लैक्स के थे, 100 लैक्स के थे आपके, 100 यहाँ पे आप देखोगे तो 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो दैट बिकम्स 100 लैक्स। तो अगर आपके 100 लाख के डिबेंचर थे तो 100 लाख का 10% और 100 लाख का 15%, तो 100 लाख का 10%, 10 लाख और यहाँ पे 15 लाख। सर ऑलरेडी कितना रिजर्व क्रिएटेड है, और बैलेंस शीट से वो दिख जाएगा आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर, तो आप देख सकते हो रिजर्व ऑलरेडी कितना क्रिएटेड है, 10 लाख का,
और अपने को चाहिए का कितने का, 10 लाख का ही, तो ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या? हाँ 10 लाख का क्रिएटेड है, तो नो नीड टू क्रिएट ओपनिंग बैलेंस में, बैलेंस शीट में दिख रहा है ऑलरेडी, रिडम्पशन के पहले वो दिख रहा है तो टेंशन नहीं। इन्वेस्टमेंट है तो असेट में दिखेगा, DRR नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट 15 लाख की है और 15 लाख की चाहिए, हाँ सर वो क्रिएटेड है तो वो भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मतलब क्रिएशन वाला कोई सीन नहीं है। चलो देखते हैं, अभी आप एंट्रीज देखोगे तो सर DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, DRRI क्रिएट भी करने की जरूरत नहीं है, एंड में क्या कर रहे हो आप, रिडम्पशन, सारा रिडम्पशन कर रहे हो, और अगर सारा रिडम्पशन कर रहे हो तो सारा रिवर्सल हो जाएगा, देखो ये दोनों रिवर्सल हो जाएंगे। आपका DRR कितने का क्रिएटेड है टोटल, ये 10 लाख का, वो रिवर्सल कर दो यहाँ पे देखो, और इन्वेस्टमेंट बेच दो 15 लाख की, इन्वेस्टमेंट को बेच दो 15 लाख की, कुछ नहीं बोला मतलब पार पे बिक जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करके, DRRI दैट इज इन्वेस्टमेंट। अच्छा जब रिडम्पशन हो रहा है तो देखो इंटरेस्ट क्या आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर रिडम्पशन की इंटरेस्ट क्या आएंगी, वेन यू रिडीम द डिबेंचर्स गाइस यूर एंट्री विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गना सी इज आपका डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। देखो आप क्या बोलोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर कितना रुपया, 100 लाख रुपीज़ है, और आप प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो 5%, वो बोला गया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे लिखा गया था दैट वाज 5% प्रीमियम करके रिडम्पशन होने वाला है, तो आपको 105 लाख रुपया देना है, वो यहाँ से भी पता चलेगा, वी नीड टू पे देम 105 लाख रुपीज़, इतना देना है आपको 105 लाख रुपया। अब ये कैसे दिया जाएगा देखते हैं, टोटल 1 लाख, 100 लाख प्लस 5 लाख, 105 लाख रुपया देना है, और 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़, हाउ विल यू मेक द पेमेंट, तो देखो इस पेमेंट का भी स्ट्रक्चर है अपने पास गाइज, यू गना गिव देम द इक्विटी शेयर्स, जिसमें ये प्रीमियम रहेगा, ये कैपिटल और ये प्रीमियम, और ये आप इतना कैश दे दोगे करके, दैट इज हाउ ये स्प्लिटिंग किया गया है। तो आप टोटल देखो क्या लिख दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपका ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम करके, देखो 10 लाख, और ये और बचा हुआ जो आपका ये कैश में आ गया, देखो ये दोनों अगर आप ऐड करते हो टोटल कैश पेमेंट करके, और आपका ये जो भी प्रीमियम है ये पीनल से राइट ऑफ कर दो, फिर ये आपकी थर्ड एंट्री है, और ये जो भी आपने इंटरेस्ट की है इसके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है। वैसे आपको अगर इंटरेस्ट क्लियर है क्या, जरा चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए, आर दिस इंटरेस्ट क्लियर, यस सो दीज एंट्रीज आर क्लियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू डोंट हैव टू मेक द लेजर अकाउंट, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे इस बार, यू डोंट हैव टू मेक द लेजर अकाउंट, व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग इज रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट का एक मैं फॉर्मेट बता देता हूँ याद रखने के लिए, वो इजी रहेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो आपका जो बैलेंस शीट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एक होता है असेट्स करके। असेट्स में दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट, करंट असेट्स, करंट असेट्स, अच्छा नॉन करंट एंड करंट असेट्स, बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। और अगर मैं आपके इक्विटी पोर्शन की बात करूँ तो इक्विटी के दो पार्ट होते हैं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, तो शेयर होल्डर का पैसा मतलब शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर ने लाया है, और शेयर होल्डर ने पैसा लाने के बाद जो हमने उससे कमाया है ना, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस करके। सो दैट इज हाउ दीज पार्ट्स आर देयर, पहला शेयर कैपिटल, देन देयर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड देन देयर इज दिस। या तो नाउ दीज दिस इज द फॉर्मेट, सो फर्स्ट लेट अस राइट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दिस हेडिंग विल बी रिटन। देखो पहले आपकी हेडिंग क्या आ जाएगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या आ जाएगा, इसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का पैसा, और शेयर होल्डर का पैसा दो तरीके से आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, और बाद तो नॉन करंट एंड करंट, और बाद में नॉन करंट असेट और करंट असेट्स, सो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स आ जाता है करके, ठीक है। अब आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट्स देखनी होगी एक एक करके, और पोस्टिंग्स करनी होगी शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल पहले अपना शेयर कैपिटल कितना था, तो आप पहले क्या लिख दोगे, शेयर कैपिटल पहले कितना था, 5000 शेयर थे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है जब आपने ये रिडम्पशन किया तो कुछ लोगों ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो अभी शेयर्स बढ़ गए रहेंगे, और अभी कितने शेयर्स बढ़ गए रहेंगे, कैन आई से दैट यूर नंबर ऑफ शेयर्स मस्ट हैव इंक्रीज्ड बाई दिस 1 लाख, आपने और 1 लाख शेयर्स इशू किए तो सबसे पहले आपके शेयर्स कितने थे, नोट्स में जाके लिख देना होता है, नोट्स 1 पहले ऑथोराइज कैपिटल, चलो वो नहीं है, देन इशूड एंड सब्सक्राइब, पहले 5 लाख थे। अच्छा तो आपके शेयर्स कितने थे, आपके शेयर्स पहले 5 लाख थे, आपने 1 लाख अभी इशू किए डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, तो 6 लाख हो गए, और लिख भी दिया है आउट ऑफ दिस 1 लाख इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, तो कन्वर्जन के लिए इशू किया गया, तो ये अमाउंट आ गया। देन सेम नाउ यू विल गो फॉर दिस एक एक एंट्री करके, तो आपकी ये इक्विटी शेयर इसकी एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री होने के बाद ये वाली एंट्री आपने इसकी पोस्टिंग कर दी कैपिटल की। दूसरा अभी आपको क्या देखना है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया है, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट एंड DRR करके एक एक करके उड़ाते हैं। DRR तो खत्म हो जाएगा, देखो DRR तो खत्म हो जाएगा, डेबिट हो गया,
जनरल रिजर्व में 10 लाख ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहां पे 10 लाख ऐड कर दीजिए, 10 लाख ऐड हो जाएगा, तो इसको भी ऐड कर दिया मैंने समझो। उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है, बैंक DRRI दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे POR दिख रहा है, और ये POR का कैंसिलेशन इधर हो गया है, और ये POR ये कहाँ पे जाता है आपका, PNL में जाता है, तो PNL के डेबिट में जा रहा है, मतलब -5 लाख। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, तो 5,75,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा आपका 5,75,000। तो ये एक एक करके आपको दिख जाएगा अगर आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे तो। या सिक्योरिटी जनरल रिजर्व आपका 90 लाख था, उसमें से 10 लाख माइनस करने, 90 लाख था उसमें, अच्छा 90 लाख था उसमें आपको 10 लाख ऐड करना है, वो दैट इज़ गना बी 100 लैक्स। देन योर PNL अकाउंट -5 लाख कर दीजिएगा, अगर आप -5 लाख कर दीजिएंगे तो 10 लाख में से 5 गया, अलग से एक सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, टेक द टोटल जस्ट पुट इट ओवर हियर, दैट इज़ गना बी देयर। अच्छा देन व्हाट इज़ देयर इन दिस डिबेंचर्स, डिबेंचर्स तो आपने रिडीम कर दिए ना, देखो डेबिट आपको दिख रहा है, डिबेंचर्स यू गाइज हैव रिडीम्ड, अगर आप देखोगे डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए तो वो तो कट हो जाएगा। हाँ तो डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए तो ये तो कट हो जाएगा, डिबेंचर्स के बाद ये रिजर्व भी कट हो जाएगा आपका 15 लाख का। देखो यहाँ पे आपने रिजर्व खत्म कर दिया था, वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तो वो खत्म कर दिया था, ठीक है। चलो अभी वापस असेट साइड पे आते हैं, अभी असेट साइड में क्या है, ये अनटच्ड है, ये एज इट इज है, ये इन्वेस्टमेंट तो उड़ गई है, ये इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे उड़ गई है, और इसके जगह पे पैसा आ गया है बैंक अकाउंट, तो 15 लाख बैंक अकाउंट में ऐड कर दीजिएगा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 15 लाख आ जाएगा, वो रियलाइज हो गया कैश के अंदर। अच्छा और कैश गया भी है क्या, हाँ कैश गया भी है, ये और ये कैंसिल हो जाता है डिबेंचर डिबेंचर, और कैश कितने का गया, इतने का, तो 89,25,000 का कैश गया, तो -89,25,000, तो ये चीज़ें हो जाने वाली है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 75 लाख प्लस 15 लाख, बिकॉज 15 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची है, आप देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, और या तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दिया रहेगा, 75 लाख प्लस 15 लाख, और माइनस आपने डिबेंचर होल्डर को जो पैसा दिया 89,25,000, वो एंट्री आ जाएगी। सो दिस इज गना बी PP एज अनटच्ड है, अदर करंट असेट भी अनटच्ड है, किधर कुछ बोला नहीं है, तो वो 2 लाख, एंड देन बैलेंस शीट विल टैली, और या यू कैन जस्ट हैव अ लुक, यू विल अंडरस्टैंड दैट या अदर करंट लाइबिलिटीज, और ये अनटच था तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका 65 लाख एंड 1,25,000। अगर आप देखोगे 65 लाख यहाँ पे दिस, अगर हम अदर लोन्स की बात करेंगे, सॉरी अदर लोन्स की बात करेंगे, तो ये इसमें से 100 लाख तो चलेगा डिबेंचर का, तो बचा कितना 65 लाख, अदर करंट लायबिलिटीज 125 लाख, यू कैन सी। ओके गाइज, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप यहाँ तक हो, अभी तक वीडियो को देख रहे हो, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है, लेट्स सी। बैलेंस शीट है, अनलिस्टेड कंपनी है, अच्छा अनलिस्टेड कंपनी बोला मतलब दो पक्की बात है, DRRI आएगा करके बात खत्म, इतना तो आना ही चाहिए। ओके ठीक है, अब ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट देने के बाद एंड में क्या पूछा है, मीटिंग में क्या क्या हो गया है करके। सबसे पहले DRR और DRRI कितना आएगा करके देखो, तो आपका डिबेंचर कितना है, 1,20,000 का है, अगर डिबेंचर 1,20,000 का है तो यहाँ पे देख लिख सकते हो, 1,20,000 का डिबेंचर है तो उसका 10% कर दो और उसका 15% कर दो, तो ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10% इंटू 15% बोलेगा तो ये 18,000 हो जाएगा। देखते हैं कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या, बैलेंस शीट में देख लो कहीं पे DRR और DRRI दिख रहा है क्या। सर रिजर्व एंड सरप्लस में DRR दिख सकता था लेकिन नहीं दिख रहा। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कैश बैंक नहीं दिख रहा। सर इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिख रहा, मतलब सर देर इज नो ओपनिंग बैलेंस। एंड सर इफ देर इज नो ओपनिंग बैलेंस आई कैन से दैट बैलेंस टू बी क्रिएटेड, तो ये आपको बनाना पड़ेगा ये वाला बैलेंस। क्या सर ये समझ में आता है? सर ये बिल्कुल समझ में आता है, ये एकदम क्लियर है। सर नॉर्मली वर्किंग नोट नंबर 1 के बाद वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होता है? परचेस एंड कैंसिलेशन। सर लेकिन इस क्वेश्चन में परचेस और कैंसिलेशन है ही नहीं, तो परचेस और कैंसिलेशन का वर्किंग नोट बनता था, चलो ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में भी क्या है जरा देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेस 110 rupees शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 shares हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं वापस समझाता हूँ, क्या बोला गया है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेस 1 share फॉर ऑलरेडी 4 shares हेल्ड, तो मतलब कि 1 for 4 held, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, आपके पास 4 share है तो आपको 1 share खरीदने का ऑप्शन दिया जाएगा करके देखो ये, तो दिस इज राइट इशू वेयर इफ यू हैव 4 shares हेल्ड द ऑप्शन इज गिवन कि आप 1 खरीद सकते हो, तो इन दिस केस कितने शेयर्स है कंपनी के अंदर ऑलरेडी, अगर आप देखोगे 30,000, ये तो अथॉरिटी है कि आप शेयर्स इशू कर सकते हो,
आपने अभी तक कितने इशू कर रखे? 20,000। तो 20,000 अगर है तो राइट इशू कितना हो जाएगा? 4 के लिए 1, तो 20,000 के लिए कैन आई से दैट 5,000 शेयर्स कैन बी इशूड? यस सर। और 5,000 शेयर्स जब इशू होएगा तो कौन से प्राइस पे होएगा? देखो इसको राइट इशू बोलते हैं। ये 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, एड 15 रुपया करके वो इशू किया जाएगा, दैट इज 15 रुपीज। तो आई कैन से दैट इंटू 10 इंटू 5, बिकॉज ये फेस वैल्यू रहेगी और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। आई होप दैट थिंग इज क्लियर। तो ये वाला एंट्री आपका क्लियर है करके राइट इशू का, इज इट क्लियर? 5,000, हाँ दैट इज राइट आंसर। ओके चलिएगा, तो मैंने पहला राइट इशू वाला बात समझा दिया। इट इज राइट विच इज गिवन कि यू कैन परचेस एंड दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाई ऑल शेयर होल्डर्स। ऑल मतलब ऑल, 20,000, दैट इज वॉट वी हैव सीन कि ऑल शेयर होल्डर्स हैव टेकन दिस ऑप्शन करके। यस सर, लेट्स प्रोसीड अहेड एंड लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, सर 5 शेयर के लिए 1 बोनस देने का, 5 शेयर्स, तो 1 for 5 held करके, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 1 for 5 held। तो सर कितने शेयर्स है? पहले 20,000 शेयर्स थे, लेकिन सर अब राइट इशू के बाद तो 25 बन गए ना। सर पहले 20 थे लेकिन अभी 5,000 इशू कर दिए तो 25 बन गए। सर 5,000 का राइट इशू हुआ तो सर 5 के लिए 1 बोनस दिया जाएगा, 1 for 5 held, 5 के जगह पे 1 का बोनस। तो इधर इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल अंडरस्टैंड 25,000 × 1/5, दैट इज गोना बी 5,000 शेयर्स। और अगर ये 5,000 शेयर्स आ जाता है इनटू 10, ये फेस वैल्यू है, तो ये 50,000 का बोनस दिया जाएगा। सर ये बोनस देंगे तो ये बोनस कहाँ से देंगे? तो एक ऑर्डर होता है, अब उसका लॉजिक वगैरह जब बोनस चैप्टर डिस्कस किया जाता है तब बताया जाता है। अभी तुम बस इतना याद रखो, सबसे पहले CRR है क्या क्वेश्चन के अंदर देखने का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कब क्रिएट होता है, ये सब लॉजिक से। बट अभी तुम बस ये ऑर्डर ध्यान में रखो, अभी उतना टाइम अपन इस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके यू जस्ट रिमेंबर। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश देखो, फिर कैपिटल रिजर्व इन कैश, फिर जनरल रिजर्व, फिर PNL, एक एक करके देखते जाओ इस क्वेश्चन में क्या है रिजर्व्स में। तो इसके अंदर आप रिजर्व्स में देखोगे तो एक ही चीज़ आपकी PNL अकाउंट, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है। आपने बिकॉज पहले राइट इशू किया था तो 25,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया था। तो कैन आई से दैट अगर ये 50,000 रुपया मुझे चाहिए बोनस इशू करना है ना, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल तो 2 होएगा लेकिन बैंक तो नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई रिजर्व यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा रिजर्व यूज़ करेंगे? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है 25,000 का जो ऊपर से आ जाएगा, आप देख सकते हो, तो बचा हुआ बैलेंस PNL से आ जाएगा और कुछ तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। दैट इज हाउ इट विल बी डन। इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। या दैट इज वेरी मच क्लियर। ओके दैट इज वेरी मच क्लियर। अभी इतना होने के बाद रेफरेंस नोट आपके लिए वो बता दे रहा था कि वो राइट इशू के बाद जब बोनस इशू होता है, अच्छा एंट्रीज क्या क्या आती है करके, पहले आप DRR की और DRRI की पहली एंट्री, अच्छा ये पास करते थे, पहले एक राइट इशू की एंट्री आएगी, फिर आपकी बोनस इशू की एंट्री आएगी, बोनस इशू की एंट्री के बाद ये राइट इशू की पहली एंट्री आएगी, फिर आपकी बोनस इशू की एंट्री आएगी, उसके बाद आप क्या करोगे DRR और DRRI क्रिएट करोगे 4 और 5 में। अच्छा ये मॉड्यूल से अगर, अच्छा यहाँ पे एंट्रीज आपको चलो करवा दिए तो टेंशन नहीं, एक बार रेफर कर लो। पहली एंट्री आपने राइट इशू किया, आपने राइट इशू किया तो आपको ये पैसा मिल गया रहेगा 50,000 और 75,000 मिला के 75,000 मिल गया रहेगा 5,000 शेयर के अगेंस्ट राइट इशू का। तो देखो पहली एंट्री वो आ गई, पहली राइट इशू की एंट्री कि 75,000 मिल गया, 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का और 25,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का। सर सेकंड एंट्री बता दीजिए, सेकंड एंट्री बोनस इशू की है। सर बोनस इशू की एंट्री ऐसे आती है, पहले आप बोनस देते हो, आपको बोनस कितना देना है 50,000 का देना है, 25 का सिक्योरिटी प्रीमियम में से, 25 का आपका PNL में से। हालांकि नेट एंट्री ये होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम PNL अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ गाइस, तो बोनस की नेट एंट्री ये होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट PNL अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये एंट्री होती है। लेकिन लेकिन या बीच में बोनस दिया तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं कि दिस टू बोनस दिया एंड देन बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज़ लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन पैसा तो आया नहीं सर बैंक में, तो बोनस दिया है। और ये बोनस कहाँ से आया? तो ये बोनस यहाँ से आया, 25, 25, 25, 25। क्या ये क्लियर है कि आगे बढ़ा जाए बोनस की एंट्री? क्लियर है, यस। चलो ठीक है, तो ये बोनस चैप्टर एक अलग से अकाउंटिंग फॉर बोनस करके है वैसे, बट चलो ठीक है। तो पहली एंट्री ये हो गई, दो अलग ट्रांजेक्शन्स थे करके, हाँ तो पहली और दूसरी ये एंट्री हो गई। अभी उसके बाद आपको क्या क्रिएट करना है? DRR वगैरह क्रिएट करना है। दूसरी और तीसरी एंट्री बोनस की हो गई, दो एंट्रीज DRR क्रिएट करना है। DRR कितने का क्रिएट करना है? 12,000 का, और इन्वेस्टमेंट वाला 18,000 का क्रिएट करना है। तो देखो उसकी एंट्रीज कर लेना आप, अब ये तो आप कर ही लोगे करके वैसा है। उसके बाद आपको एंट्री किसकी करनी है? DRRI आप बेच देना है, और आपको ये भी बेच देना है करके, इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है तो DRR का इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं आएगा, तो ये बस बेच देना, ये दोनों ये रिवर्सल कर देना। क्या पूरा रिडम्शन हो रहा है क्या? ज़रा मैं देख लूँ क्वेश्चन के एंड में,
टू इशू देन रीपे द डिबेंचर्स, हाँ पूरा 3% के ऊपर पूरा रिडम्पशन हो रहा है, तो 3% के ऊपर पूरा रिडम्पशन हो रहा है मतलब कितने के डिबेंचर्स है इधर 1,20,000 के, तो इसकी तीन इंट्रीज बन जाएंगे, देखो तीन इंट्रीज रिडम्पशन की आपकी, पहला 1,20,000 का 3% निकालो तो वो ये, और ये उसको पे करना है, और ये पे करना है तो पे कर दो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका जो भी 3% आ रहा है 3,600 ये पीएनएल में राइट ऑफ कर दो, और उसके पहले एक तो डीआरआर का रिवर्सल करो इन्वेस्टमेंट का और डीआरआर का रिवर्सल करो बस, और फिर सारे बैलेंस शीट वापस हो, प्लस माइनस करके आपको बैलेंस शीट बना देनी है। क्या आप बैलेंस शीट खुद से बना लोगे? अभी ये पोस्टिंग और बैलेंस शीट आपके सामने है, सारे नोट्स वगैरह लिखे गए प्लस माइनस कैसे करना है सेम ही है सर, तो ठीक है वी कैन से दैट वी कैन डू दैट सेम वे। देर इज अ क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, आई कैन सी दैट देर इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक करके विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अराउंड 2 आवर्स वी कैन से। अभी तक 2 घंटे और 10 मिनट हो गया हमारी वीडियो को और 10-15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 130-140 मिनट्स। या देर इज वन कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या बोले, डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट्स बोले, तो यही अकाउंट बनाएंगे इस हिसाब से एंट्री होगी। पहला ये कंपनी है पैराडाइज लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड कंपनी, तो दोनों चीज़ें आएंगी, ये आपका 10% होता है, ये आपका 15% होता है, ठीक है डीआरआर इन्वेस्टमेंट वाला चीज़। तो डिबेंचर्स है कितने आपके, डिबेंचर्स है आपके 7,50,000 के, अगर आपके डिबेंचर 7,50,000 के हैं तो देख लीजिए 7,50,000 का 10%, 7,50,000 का 15%, तो इतना इतना बनना चाहिए 75,000 एंड 1,12,500 इतना आपका डीआरआर बनना चाहिए, होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है देख लेते हैं, डीआरआर ऑलरेडी 50,000 का है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 1,12,500 का है, तो 25,000 और ये 1,12,500 ये जितना बनना चाहिए उतना है, 75,000 का बनना चाहिए 25 का ही है, तो 50 का और बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी एंट्री आएगी, इसकी क्रिएशन की एंट्री आएगी, ठीक है। तो इसके क्रिएशन की एंट्री देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 50,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, यस सर। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया दैट यू मेक सम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर अकाउंट मेड एवरी ईयर, वो बस बोला गया कि हर साल वो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो आप इस साल का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे करके, दैट इज ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू डिड, 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन रिजर्व में कर दिया ऑन 30th मार्च। अभी ईयर देख लेते हैं, ये 14 है ना, तो ये अगर 14x1 है तो 31st 3x2 है, तो ये ईयर के एंड में बोला गया है। बैंक बैलेंस वॉज दिस वॉज बट बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है अगर मैं ये लाइन को बोल दूँ तो, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ। आगे द इंटरेस्ट वर रियलाइज एट द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार, चलो ठीक है नहीं बोलते तो भी समझ में आता, डिबेंचर रिडीम हुआ है 10% के हिसाब से, तो सबसे पहले द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार, तो इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट अ पार मतलब आपको इन्वेस्टमेंट बेच देनी है, पर इन्वेस्टमेंट बेचने से पहले रिडम्पशन कितने रुपए का हो रहा है वो देख लो, तो रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन द अबाउट डेट, कुछ नहीं बोला मतलब पूरा रिडम्पशन हो रहा है, ऐसा नहीं बोला कि 5 लाख ही रिडीम कर रहे हो, पूरा 7.5 लाख रिडीम कर रहे हो, अगर आप पूरा 7.5 लाख रुपये रिडीम कर रहे हो तो 7.5 लाख रुपये का 15% इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, 10% मतलब सारा, तो सारा ही बेच दोगे एक्चुअली, 7.5 लाख ही आउटस्टैंडिंग था, तो पूरा 75,000 और ये तो 1 लाख 12,500 की इन्वेस्टमेंट आप बेच दोगे पार पे, तो इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, और आपका डिबेंचर का रिडम्पशन कितने पे हो रहा है, 3% प्रीमियम पे हो रहा है आई थिंक, सॉरी माय मिस्टेक, 10% प्रीमियम पे हो रहा है, कितने परसेंट प्रीमियम पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे, यू कैन चेक, या तो 10% प्रीमियम पे हो रहा है, और डिबेंचर्स है कितने मेरे देख लेता हूँ, 7,50,000 के डिबेंचर्स है, तो 7,50,000 के डिबेंचर्स उसके ऊपर 10% प्रीमियम, तो यू नीड टू पे दिस मच अमाउंट एंड देन डिबेंचर होल्डर टू दिस दिस करके बैंक अकाउंट, और ये पीएनएल के अंदर ये राइट ऑफ हो जाएगा आपका 75,000। यहाँ पे आपका है ये रिवर्सल हो जाएगा 10% का, मतलब ये सारा ऊपर वाला ये पूरा रिवर्सल हो जाएगा 75,000 वी कैन से, 10% अगर निकालोगे या तो जनरल से में रिवर्सल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक इंटरेस्ट वगैरह का सीन है वो आप देखोगे, बिकॉज देर इज अ 10% इंटरेस्ट विच इज देर, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंट्रीज आर देयर, और आपको इसमें पोस्टिंग करनी है, इसमें खाली तकलीफ एक ही है, इसमें एक बैंक अकाउंट की तकलीफ है जो आपको ध्यान रखनी है करके। अच्छा वॉट हैज बिन, देखो यहां पर ये लाइन पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑन 31st मार्च 2012 बैंक बैलेंस वॉज 7,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट करके, तो देखो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, यहां पर देखो एक समझा देता हूं मैं, अगर आपको ये बोलता हूँ कि
बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, दो तरीके, एक होता है इंटरेस्ट पेड, आपको समझ में आता है, एक होता है इंटरेस्ट पेड और एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। मुझे बताओ इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर होता है, डिबेंचर के ऊपर, और इंटरेस्ट रिसीव किसके ऊपर होता है, डीआरआर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिसीव होता है, ठीक है। और बैंक बैलेंस क्या बोला गया है, बैंक बैलेंस इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन आई से इट इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसका इफेक्ट नहीं आया है, मतलब कैन आई से इट इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दिस इफेक्ट इज डन। तुम्हें ये समझ में आता है, इंटरेस्ट पेड वाला इफेक्ट हो गया, खाली एक ही इफेक्ट बाकी है इंटरेस्ट में, कौन सा, इंटरेस्ट रिसीट का। हेलो, यस, तो दिस इज जस्ट बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रिसीट देखो, मैंने यहाँ पे बैंक बैलेंस ऐसा लिखा है कि दिस इज अ बैंक बैलेंस आपका, आपको बैंक बैलेंस दे दिया है, विच इज आप इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये एक बैंक बैलेंस, इट इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट को पे कर दिया, जो भी आपका बैंक बैलेंस रहेगा उसमें से आपका 90,000 का इंटरेस्ट है, कौन सा वाला, देखो 90,000 का ये वाला, आपका डिबेंचर कितने का था, 7.5 लाख का था, 7.5 लाख, 7 लाख के ऊपर 12% निकालो तो 90,000 का इंटरेस्ट, बट ये इंटरेस्ट इग्नोर इसलिए की गई है बिकॉज इसका इफेक्ट ऑलरेडी डन है करके, तो ये वाला इंटरेस्ट का एंट्री ही इग्नोर किया गया बिकॉज ये ऑलरेडी बैंक बैलेंस में डन है। देखो कैसे, इसमें से मैंने 90,000 का इंटरेस्ट निकाल देना है बिकॉज ये पेमेंट हुई है करके, तो मेरा बैंक बैलेंस इतना आ गया है बाद में 7.5 लाख रुपया। ये 7.5 लाख रुपये का जो बैलेंस है ना गाइस, ये बिफोर इंटरेस्ट है रिसीट ऑफ, मतलब इसके अंदर पेमेंट ऑफ वाला डन है, खाली इसके अंदर एक ही अभी इफेक्ट बाकी है, कौन सा, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट बाकी है करके, तो आई कैन से भी ये वाला इफेक्ट मैं दे दूंगा 7.5 लाख के अंदर, कौन सा, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 11,250, वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट था ना उसके ऊपर 10% का आपका ये था इंटरेस्ट था। तो या आई एम गोना ऐड दिस, तो आपका ये बैंक बैलेंस बन जाएगा, और फिर आपके दूसरे ट्रांजेक्शन परचेस और सेल, वो जो भी सेल ऑफ ये और पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, मतलब मैं बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका देखो ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा बाय ये वाला, कौन सा वाला इफेक्ट नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बिकॉज वर्ड बोला गया था, वर्ड क्या बोला गया था आपका, बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज डन इन दैट केस, खाली रिसीट ऑफ इंटरेस्ट इज पेंडिंग करके, तो वो इसलिए वो तो उसके बाद वाला बैंक बैलेंस दिया गया, तो आपको डिबेंचर का पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं पास करना है, और आपका बैंक बैलेंस कितना है, 7.5 लाख रुपया। और ये क्लोजिंग नहीं है, ये कौन सा वाला है आपका, बोला गया खाली 31 मार्च को, लेकिन एक ही इफेक्ट हुआ है इसके अंदर, डिबेंचर के इंटरेस्ट का इफेक्ट हो गया है, प्लीज ये ध्यान रखना, ये 7.5 लाख रुपया इधर आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा एज अ, क्लोजिंग नहीं आएगा बिकॉज इसके अंदर दूसरे सारे ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग है, इसमें खाली एक ही इफेक्ट हुआ है, सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते तो मैं बोलता कि क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कब बोलता, सारे ट्रांजेक्शन्स होने के बाद, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, इसमें खाली इंटरेस्ट वाला इफेक्ट हो गया, इट इज़ लाइक दिस कि ओपनिंग बैलेंस है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया, फिर क्लोजिंग आया है, फिर वो इधर वापस ओपनिंग बन गया है, और फिर ट्रांजेक्शन दिए गए करके, तो ये बोलना चाहता है कि एक ही इफेक्ट इंटरेस्ट का हो गया है करके, दिस इज गना बी योर ओपनिंग बैलेंस, आई कैन सी दैट, वो यहाँ पर आएगा, फिर इसके अंदर आप ये लेस कर दोगे इंटरेस्ट, फिर आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो लेस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ये सॉरी इंटरेस्ट मिला है तो ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वो भी ऐड हो जाएगा पैसा, और डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया है वो लेस हो जाएगा करके, वैसे है देखो 7.5 लाख प्लस ये दो चीज़ें और पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। यस गाइस, तो आई कैन से दैट फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर, ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एक बार अच्छे से, फिर भी नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू आप अभी तक यहाँ पे बना रहे तो यू कैन डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड यू कैन चेक अदर वीडियोज ऑल्सो, कॉस्टिंग के आपके वीडियोज अपलोड किए गए, अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द डे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, चलो बाय बाय।